षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाधिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यान वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंडाय हुम। ये थी गणेश स्तुति और अंतिम जो मैंने कहा ये वक्रतुंडाय हुम, ये आप लोग भी इसका जाप करेंगे और उसका महसूस करेंगे। अब मैं कर रहा हूँ गुरु वंदना। हाँ जी करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब सबके गुरु शिव जी की आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। थैंक यू सर एंड थैंक यू वन टू ऑल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा नाथू जी। अब मैं आज अवसर है प्रसाद साहब का भी हम प्रसाद सुन लेंगे। हम लोग प्रसाद साहब की बात कल नहीं सुनाई दी। प्रसाद साहब देखिए अब नागेश जी की का गुरु वंदना प्रार्थना सुकम पूरा हो गया। अब देर किए बिना आगे बढ़े। आज के जो मुख्य वक्ता हैं वो अपना परिचय खुद ही दे दे और अपनी वार्ता शुरू कर दी। मन कर रही है इसलिए मैं दोनों अच्छे कर लाया हूँ। हाँ सर प्रसाद साहब। हाँ हमारी बात तो पूरी हो गई अमिताभ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर उमा शंकर जी भी आ गए आज। आईएफएस भी आ गए आज। बहुत दिन से नाराज चल रहे थे। बहुत अच्छा लगा उमा शंकर जी आपका। अगले सप्ताह हम रखने वाले हैं। अभी तो हम नैनीताल आए हुए हैं एक प्रोग्राम कराने। तो नैनीताल में हैं और अभी रविवार तक रहेंगे। संजय मिश्रा जी भी आ गए। संजय मिश्रा जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। ये 1500 नहीं करेंगे ये लोग। 1600 दोनों ले लेते। अमिताभ जी प्रारंभ करवाएं डॉक्टर साहब से। देखिए नागेश झा जी के प्रार्थना में कितना ताकत है। मेरा गर्म कपड़ा आ गया ये देखिए। बहुत बहुत बधाई आपको। गर्म कपड़ा आ गया बिल्कुल है ना। अब आप ठीक ठाक रहेंगे बिल्कुल। बहुत आवश्यक है गर्म कपड़े। जहाँ जोशी जी और चंद्रेश्वर खान साहब और प्रसाद साहब ऐसे आशीर्वाद देने वाले लोग होंगे वहाँ का कोई तकलीफ थोड़ी होगी। आज और भी अच्छा हो गया। उमा शंकर जी भी आ गए। अच्छा
तो रिक्वेस्ट करें अपने मुख्य वक्ता से डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, कृपया शुरू करें। विद्यानाथ झा जी, हाँ विद्यानाथ झा जी, सभी लोगों को यथा योग्य प्रणाम, मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज का जो विषय है, कॉन्टेम्पररी इन्वायरमेंटल सिनेरियो, इस दुनिया में पर्यावरण को लेकर के अभी क्या स्थिति है, उस पर हम लोग आज चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं शुरू में ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा स्लाइड आज ठीक से बन नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, अभी करूंगा, बीच में हो सकता है स्लाइड भी ठीक हो जाए। तो कॉन्टेम्पररी इन्वायरमेंटल सिनेरियो में जो स्थिति है, सब लोग स्थिति को देख रहे हैं, सब लोग स्थिति को देख रहे हैं और भोग भी रहे हैं। तो यह दुनिया या पृथ्वी अब हम लोगों के कितना रहने लायक है, यह एक अब प्रश्न बनता चला जा रहा है। बड़े बड़े महानगरों में तो लोगों ने कब का अपने चॉइस से उसको निकालना शुरू कर दिया। अभी मैं पढ़ रहा था कि गोवा में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जिनके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो कहीं भी मकान बना सकें तो वो प्रेफर कर रहे हैं गोवा को। हालांकि गोवा के लोग रिजेंट कर रहे हैं, लार्ज स्केल माइग्रेशन वहां हो रहा है, तो उनको अंदेशा है कि ये दूसरी दिल्ली ना बन जाए। तो महानगर छोड़ के जिनके पास थोड़ी भी सामर्थ्य है वो महानगर छोड़ के जाना चाहते हैं। और एक बात भी मैंने गोवा की दी, अभी अभी जो वायनाड में केरल में जो आपको लैंडस्लाइड हुआ और उसके चलते मास स्केल पर लोग मारे गए, और वेस्टर्न घाट्स को लेकर के जो कमिटियां बनी थी, एक बार फिर गवर्नमेंट ने फिर लोगों से विचार आमंत्रित किया है। गाडगिल साहब की कमेटी थी और भी कमेटियां बनी, सब ने अपनी अपनी संस्तुतियां दी, लेकिन जहां जब उसके इम्प्लीमेंटेशन का सवाल आता है तो सभी सरकारों के बीच मैं समझता हूं कि गट्स का अभाव होता है, चाहे जिस कारण से भी हो, और फिर वो दोहरा दोहरा करके ये घटनाएं होती हैं जहां तहां सब जगह होती हैं। अभी सिक्किम में ये हालत हुई, विजयवाड़ा में ये हालत हुई, और अभी हाल में मैं समझता हूँ कि नागेश झा जी इधर ही हैं, वापस नहीं लौटे हैं, तो उन्होंने भी वो भी अपनी कथा कह रहे थे, अपनी व्यथा कह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस डिस्पेंसेशन में जो नदियों के ऊपर बिहार में खास करके जो तटबंध बने, हालांकि उस पर अभी भी और कभी अगर कोई चाहिए कोई दिक्कत हो तो अमित को बता देना। मैं जरा सा म्यूट किया जाए, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, लटकेगा तो पेपर दिया, कहीं से डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ चलिए हाँ तो इसको जरा सा करवाया जाए। तुमको लिंक मिला है? तो हम बात कर रहे थे कि देश के विभिन्न भागों में क्या स्थिति हो रही है, और अभी अभी हमारे उत्तर बिहार में एक हफ्ता का बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। अभी अभी उत्तर बिहार में अब 8-10 दिन पहले जो स्थिति बनी है वो हम लोगों ने अभी देखी है, और उससे हम उबर भी नहीं पाए हैं। पहली बार आपको नरकटिया, ये मतलब वाल्मीकि नगर के बराज से गंडक पर, और फिर कोसी बराज से बीरपुर में बराजों के ऊपर से पानी बहा है, और कोसी का जो तटबंध है वो टूटता तो कई बार ये तटबंध टूटता था, और फिर उसकी मरम्मत होती थी, सरकारी सारा जो सरकारी सरंजाम था उसके पीछे रहता था। तो पहली बार पश्चिमी कोसी तटबंध भी के ऊपर से भी पानी बहा, और बाद में फिर तटबंध टूटा, और ये ऐसी स्थितियां बनी। तो माफी चाह रहा हूँ, आपके बात को समर्थित करते हुए, तटबंध को टूटा नहीं है सर, उसको तोड़ा गया, ये सर ठीक है, मतलब अनऑफिशियली बोल रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है
जो भी स्थिति है, तो ये हुआ तो है, हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से और क्या त्रासदी मची है। 14-15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इसके चलते। हाँ, इसके चलते तो ये बहुत ही त्रासदी जन्य स्थिति है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कम से कम उसको समझने, एमेलियरेट हम कितना कर सकते हैं, कितना हम निदान कर सकते हैं, हमारे हाथ में कितनी बात है, लेकिन कम से कम उसको हम समझ तो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ, ये देखो ये वर्स्ट लेवल ऑफ, अभी पूरी दुनिया में ठीक से मेरा सवाई काम नहीं कर रहा है। हाँ, world today is facing the worst level of environmental degradation since the very dawn of human civilization. मैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, degradation जो चारों तरफ है, तो मेरी समझ में आप लोग भी इससे सहमत होंगे, वो इसलिए हो रहा है कि man wants to master this earth for himself. वो अपने लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए, उसके सुख सुविधा जुटाने के लिए सारी बातें कर रहा है, और इसलिए इस तरह के समस्याएं पहले आदमी के सामने ही आ रही है, आदमी ही उसको भोग रहा है, मनुष्य जाति ही उसको भोग रही है। तो हम, हाँ ठीक से करो, तो हम इसको और कैसे समझ सकते हैं। अभी अभी हम लोग जो भोग रहे हैं समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है। हम लोगों ने देखा किस तरह से पहला सम्मेलन जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसके ऊपर 1972 में हुआ था, पर्यावरण के ऊपर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, और रफली यही समय है जिसके बाद से पर्यावरण को लेकर जो विश्रृंखलताएं शुरू हुई देश दुनिया में, रफली यही समय है। और चूंकि जून के महीने में हुआ था, 5 जून को शुरू हुआ था, इसीलिए हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाते हैं, और ये एक तरह से एक रिचुअल हो गया है, हर साल हम इसको मनाते हैं। उससे हमें कितनी प्राप्ति होती है, क्या होता है, वैसे भी हमारे यहाँ तो परंपरा में है कि हम परिस्थिति के अनुकूल, मौसम के अनुकूल अपने त्योहार मनाते हैं, अपने दिवस मनाते हैं। तो ये 5 जून को मनाना कितना सार्थक होता है, कितना कारगर होता है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। अब हम ये जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत है, और उसके अंतर्गत हर साल विभिन्न देशों के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, योजनाकार, वैज्ञानिक सब जमा होते हैं, और पर्यावरण से जो जुड़ी समस्याएं हैं उन पर विचार करते हैं। तो डॉक्टर उमाशंकर सिंह जी भी यहाँ हैं, वो क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं। तो मैं पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न समस्याएं हैं उनको एक साथ रख के बात कर रहा हूँ। उनका यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही सार्थक महसूस हो रहा है, वो इसको देखेंगे और फिर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अभी जो वायनाड की मैंने बात की, सिक्किम की बात की, और फिर उत्तर बिहार की बात की, तो मैंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, कुछ उसके बाद भी, और ये तटबंध बने विभिन्न नदियों पर, हम लोग इसको छहर बोलते हैं, अपने हम मैथिली में इसको छहर बोलते हैं, और बांध की बात भी हुई। मैं समझता हूँ कि खास करके कोसी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता था, कोसी के ऊपर जो बाढ़ के नियंत्रण के लिए एक बहुआयामी बहुदेशीय योजना प्रस्तावित थी, और स्वतंत्रता के पहले बहुत सारे जो हमारे राजनेता थे वो इस बात पर सहमत थे, इसकी मांग भी की गई थी, और मैं समझता हूँ कि उस वक्त सरकार तैयार भी थी कि जो स्टर्लिंग बैलेंस है उसके हिसाब से सबसे पहला जो काम होगा वो कोसी पर बहुउद्देशीय आपको बड़ा क्षेत्र में बांध का निर्माण होगा। लेकिन वो अभी तक लटका हुआ है, सेंटर ऑफ पावर दिल्ली के नजदीक, पंजाब के, उस वक्त के पंजाब के जो लोग थे वो उसको ले गए भगरा नांगल, और ये अभी का जो पंजाब है, हरियाणा है, और जो भी क्षेत्र है उसके चलते वहां प्रथम हरित क्रांति आई। देश के किसी भाग में भी यदि होती है इस तरह की खुशहाली तो हमें खुशी होती है, लेकिन बिहार को जो दंश भोगना था बिहार ने उसको भोगा और बिहार भोग रहा है, और आज तक अब ये इतिहास की वस्तु हो गई है, कभी अब अंतर्राष्ट्रीय मामला भी हो गया है कोसी पर, बड़ा क्षेत्र में कोई बांध बनेगा ना बनेगा,
हम समझते हैं कि प्रसाद सर, चंद्रशेखर खान सर बहुत वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग भी इसके पीछे का इतिहास जानते ही होंगे। तो ये एक कहानी है, लेकिन अब हम उस कहानी को छोड़ करके अभी की जो स्थिति है उस पर आना चाहते हैं। इस बार क्यों ऐसा हुआ कि तटबंध के ऊपर से या फिर बराज के ऊपर से पानी बहा? ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है। तटबंध टूटते थे पहले या तोड़े भी जाते थे नागेशा जी के शब्दों में। तो ऐसा हुआ है कि एक निश्चित मैं समझता हूँ कि पूर्वी पश्चिमी तटबंध के बीच में जो क्षेत्र है वहां इतनी गाद जमा हो गई है, वो निकाली नहीं जाती है। और इसकी मांग बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो गंगा में और नदियों में लेकर के गाद की मांग कर रहे हैं कि नदियों के में गाद के नियंत्रण के लिए, उनके प्रबंधन के लिए एक नेशनल ये सिल्ट पॉलिसी बनाई जाए। और मैं समझता हूँ कि नदियों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उत्तर बिहार की मिथिला क्षेत्र की के जो जलाशय हैं वो जलाशय भी मैं समझता हूँ कि इस लायक नहीं रह गए हैं कि उनके नीचे जो पानी परकोलेट करें, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। इसकी कहानी मैं स्वयं देता हूँ। मेरा घर दरभंगा में ये दिग्घी पोखर के भीड़े पर है, भिंडे पर है। और 2019 में खुद दरभंगा शहर में, जिसको कि पानी का शहर, पानी फ्लोटिंग शहर के रूप में जाना जाता था, ऐसी समस्या पेयजल की उत्पन्न हुई कि मुझे सबमर्सिबल गड़वाना पड़ा। और ये बात बहुत जगह बहुत लोगों ने की। ये स्थिति हो गई है। और अभी की हालत ये है कि दरभंगा के कई मोहल्लों में आपको चापाकल जवाब दे गया है, मोटर जवाब दे गया है, और नल जल योजना से पानी की सप्लाई होती है। ये स्थिति हुई है यहाँ पर। तो जो पानी का सरप्लस एरिया था वो पानी का डिफिशियंट एरिया हो गया, और हम लोगों के देखते देखते ये स्थिति हुई है। अभी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो तालाब बचाओ आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, और वो इस तरह का अभियान चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं कि तालाबों को ना भरा जाए। लेकिन ऐसी स्थिति है कि तालाब भरने वाले प्रशासन की मिली भगत से एकदम छुट्टा, जिसको कहते हैं घूमना, वो घूमते हैं और बेखौफ तालाब भर रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह में भी जा रहे हैं। हम लोग दरभंगा के डीएम से भी मिले थे तालाब बचाओ अभियान के तहत। वो खुद एक अच्छे व्यक्ति हैं, संवेदना रखते हैं, लेकिन सारा का सारा जो तंत्र है वो इस तरह से इसमें मशगूल है कि वो जो चाहता है वो करता है। ये एक दुखद अध्याय है। गवर्नमेंट या गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत ये इसकी जो देखने में हम लोगों को लगता है तो निराशा ही हाथ लगती है। तो हम चलिए लौट करके फिर हम अपने विषय पर आते हैं कि इस बार का जो बाढ़ का जो तांडव था, और सरकार ने ये सूचना आ रही है कि बैराज अब कितने उपयोगी हैं, कितने सक्षम हैं, इस पर बिहार सरकार इसका विश्लेषण करना चाहती है और वो उसमें लगी हुई है। लेकिन जो होना था सो तो हुआ, और किन कारणों से हुआ उसका विश्लेषण हो, उसके निदान का कोई उपाय ढूंढा जाए। लोग तो अखबारों में ये खबर आ रही है कि इसको देख करके अब तटबंधों को और ऊंचा किया जाएगा। अब क्या स्थिति है, और जहां तटबंध नहीं बने हैं उन नदियों पर भी उन तटबंधों को बढ़ाया जाएगा। और इसको लेकर के अभी हाल में दरभंगा ये पटना में बिहार नदी संवाद हुआ है। एनजीओज के ग्रुप ने 28-29 सितंबर को ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल किदवईपुरी में इन लोगों ने बैठ करके, जितने थे हमारे तीन जो एक्टिविस्ट थे, विजय कुमार थे, रंजीव जी थे और एक और थे, तो उनके स्मृति में उन लोगों ने ये नदी संवाद किया। और नदियों को लेकर के क्या स्थिति है उस पर मेधा पाटकर जी भी वहां पहुंची थी, और नदियों को लेकर के खास करके कोसी, महानंदा, कमला, बलान, अधवारा ग्रुप की नदियां, फिर बागमती, लखनदेई, गंगा स्वयं, क्योंकि ये सभी नदियां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, गंडक, क्यूल, फल्गु आदि क्षेत्रों से लोग वहां पहुंचे थे, और उन लोगों ने अपने अपने अनुभव और विचार तो साझा किए थे। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने एक घोषणा पत्र भी अपना किया जो सरकार को दिया गया है कि क्या स्थिति होनी चाहिए, आम जनता क्या सोचती है, उनकी पीड़ाएं क्या है, इस पर तो विचार विमर्श करने के लिए। तो ये एक सार्थक बहस या संवाद जो होता है
ये लोगों के बीच में हो रहा है, लोग अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार तक ये बातें जानी चाहिए। उधर फिर फरक्का बराज को लेकर के भी, इधर कोसी और गंडक के बराज को लेकर समस्या है, उधर गंगा में जो पानी की हालत है उसको देख करके उसके चलते सिल्ट का फॉर्मेशन होता है, सिल्ट का डिपॉजिट होता है, उसके चलते फरक्का बराज में के प्रश्न पर भी लोगों ने लोग गोलबंद हो रहे हैं। अक्सर ये बात हो रही है दो देशों के बीच या तीन देशों के बीच की ये समस्या हो जाती है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी भी इसमें यहाँ पर है, इसके साथ उसका भी संबंध है। तो हम फिर लौटते हैं अपना जो एकेडमिक डिस्कशन है उसके ऊपर कि आज की तारीख में सो इन्वायरमेंट के इसको लेकर के और क्या क्या पहलू हैं, हम उन पर भी आते हैं। तो नदियों की बात हुई, जलाशयों की बात हुई, उसके चलते जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर कितना रिचार्ज हो रहा है, और फिर बाढ़ की समस्या, फ्लैश फ्लड की समस्या, जिसको फ्लैश फ्लड की अचानक जो बाढ़ आई, फ्लैश फ्लड की आई, भारी तबाही हुई, तो ये सब स्थितियां बनी हैं। तो अब हम आते हैं उसके बाद से जो जुड़ी हुई जो प्रश्न उठते हैं। अब जैसे अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक भी मना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं, अभी चल रहा है 8 तारीख तक ये इसको चलना है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये भी देखना होगा कि हमारे वन्य जीवों का भी ये संरक्षण हो, वन्य जीवों का भी प्रोटेक्शन हो। और अभी जो विश्व प्राणी ये जो सप्ताह है, जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, गंगा का प्रश्न है, तो इसमें जो हमारा सोंस है, जिसको सोंस बोलते हैं, सोंस तो वो जो अंग्रेजी में उसको डॉल्फिन बोलते हैं, और ये इसको राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और सोंस को लेकर के पटना में एक अनुसंधान केंद्र भी स्थापित हुआ है, लेकिन उसको जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ फिर आपको प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, या अन्य भी जो जीव हैं, सबको लेकर के उनके रक्षण की, उनके प्रोटेक्शन की, उनके कंजर्वेशन की बातें हो रही हैं। बहुत कुछ हम सक्सीड भी कर रहे हैं। अभी वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है वहाँ अब तो गिनती होती है, और गिनती करके ये एग्जैक्टली बता दिया जाता है कि किस क्षेत्र में कितने बाघ हैं, और उनके बीच में उन परिस्थितियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं वन व्याघ्र न्याय, कि वन तभी रहेगा सुरक्षित संरक्षित जब उसमें बाघ रहेंगे या सिंह रहेंगे जो टॉप लेवल पे हैं। तो ऐसी स्थिति में कितना हमारा जो सिस्टम है वो कितना इसको इसकी कैरिंग कैपेसिटी है और कितना वो सपोर्ट कर रहा है उसको लेकर के, कहीं वन्य जीवों में आपस में संघर्ष की स्थिति तो नहीं बन रही है, ये सब भी सुविचारणीय प्रश्न है। और प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के, प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर के अक्सर बहुत सारी खबरें आती रहती हैं अखबारों में और भी जगह पर। तो हम इस पर भी चर्चा करें, इस पर भी हम देखें। हमारे यहाँ तो जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, कहीं ना कहीं विभिन्न देवी देवताओं से उनको संपृक्त कर उनके संरक्षण के लिए नियमावली हमारे उसमें बनाई हुई है, लोग उसका पालन करते भी हैं, लेकिन फिर भी जो संघर्ष की जो स्थिति है ये उत्पन्न होती है। अभी अभी हम लोग तो हम लोगों ने COVID-19 महामारी का, पैंडेमिक का सामना किया, और ये बात सामने आई कि जो ये शताब्दी चल रही है, ये शताब्दी, शताब्दी को माना जाता है सेंचुरी ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। जूनोटिक डिजीजेस का मतलब हुआ कि प्राणियों द्वारा, एनिमल्स के द्वारा जो प्रसारित रोग है उसकी ये शताब्दी है, और उसकी वानगी हम लोगों ने देखी है किस तरह से ये पैंडेमिक हुआ। और उसके बाद भी डेंगू है, फिर मलेरिया पहले से है, नीपा वायरस है, अभी मंकी पॉक्स का चल रहा है देश में, उसको रिपोर्ट भी किया गया है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले जो इनके प्रजावास थे, हैबिटेट थे, उसमें क्षरण हुआ है, और लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, और मनुष्य हर जगह या तो उसको प्रकृत्या करना पड़ता है या उसकी लाचारी है, उसको रहने के लिए आवास चाहिए और सब चीजें चाहिए, तो जंगल क्षेत्र कट रहे हैं, और वन्य जीवों के खास करके जो कैरियर्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं कई सारे रोगों के, तो उनके जो वो जर्म्स वगैरह हैं वो उनको तो जो खास जो हमारे वन्य जीव हैं उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनके साथ वो एडेप्ट करके, वो एडेप्टेबिलिटी है उनके साथ वो रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य के संसर्ग में आते हैं तो वो रोग फैलाते हैं। और कोविड की कहानी हम सब लोगों के सामने है, तो उससे हम
सबक लेकर के सरकार भी कह रही है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पैंडेमिक पॉलिसी बनाएंगे, कैसे पैंडेमिक को रोका जा सकता है। तो यह भी एक चिंता का विषय है किस तरह से केरल उसका, मैं समझता हूँ कि वहीं से आक्रमण शुरू होता है क्योंकि वो सेंटर है, वहां से उसके माध्यम उसके होकर के लोग आते हैं देश के अंदर, या फिर वहां के बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं कमाने खाने के लिए। तो ये सारी भी स्थितियां हैं। तो जो 21st सेंचुरी को हम कहते हैं कि सेंचुरी ऑफ जूनोटिक डिजीजेस, तो इसको लेकर के भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, साकांक्ष रहने की जरूरत है। क्या हम निदान कर सकते हैं, हम पहले से सो करें। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट रेसिलियंस, खास करके क्रॉप्स के संबंध में। अब तो ये जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसकी बात होती है, उसका तो मोटो ही है मोर क्रॉप पर ड्रॉप ऑफ वाटर, अर्थात बूंद बूंद खेती। पहले फर्स्ट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा था पंजाब हरियाणा में, तो वहां तो ऐसी स्थितियां बनाई गई कि उनको, चूंकि उससे पहले भयंकर अकाल से देश गुजरा था, अन्न की भयंकर कमी से देश गुजरा था, तो अनाज का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाना था। तो द्वार वैरायटी या फिर आपको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या फिर शॉर्ट स्ट्रेचर्ड वैरायटी, ये सारी डेवलप कराई गई, की गई। और तो उसकी बदौलत ऐसी स्थिति बनी है कि देश आज 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी 80 करोड़ लोगों को सरकार तो मुफ्त राशन मुहैया करा रही है कई वर्षों से, और आगे भी शायद कराती रहेगी। ये जो पॉलिटिक्स इसके पीछे जुड़ा हुआ है, तो कोई भी राजनीतिक दल, मैं समझता हूँ कि अब ये हिम्मत नहीं जुटा सकता कि ये सारी ये जो सुविधाएं हैं उनको छीन ले। अब तो ये एक हिसाब से कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का विषय बन गया है। बहस अब इस पर भी हो रही है, इतने लोगों को मुफ्त यदि हम खाना खिलाते रहेंगे, कब तक खिलाते रहेंगे? तो उनकी जो क्रिएटिविटी है या मेहनत करने की क्षमता है उसमें भी ह्रास होता है, और इस नीति को जारी रहना चाहिए इस तरह से नहीं या नहीं, यह भी एक बहस का विषय बन गया है और उसको लोग देख रहे हैं। अब तो लोग नेचुरल फार्मिंग के पक्ष में भी एक बहुत बड़ा समर्थक ग्रुप अब तैयार हो रहा है, लेकिन उसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने हाल में श्रीलंका में ऐसी स्थिति देखी है, सिक्किम में भी नेचुरल फार्मिंग पर वहाँ ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वो सिक्किम पर एक छोटा सा स्टेट है। लेकिन ये जो स्ट्राइफ टॉर्न श्रीलंका है, उसमें जो इतना आंदोलन हुआ, इतनी जो अशांति हुई, नागरिक विद्रोह हुआ, उसका एक कारण तो इसको भी माना जा रहा है कि वहाँ ये नेचुरल फार्मिंग को लोगों ने बढ़ावा दिया, अन्न का उत्पादन एक हिसाब से घटा, और भारत वैसे उसको मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, कर भी रहा है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग की सारी खूबियों के बावजूद हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है, हमारे पड़ोस में जो बढ़ती जनसंख्या है, उसका पेट भरने के लिए हमें सावधानी से काम करना होगा, इन सभी बातों को भी तो देखना होगा। अब हम आते हैं वेस्ट डिस्पोजल के प्रश्न पर। वेस्ट डिस्पोजल हम देखते हैं किस तरह से अभी भारत का जो पोजीशन है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने में, वो मैं समझता हूँ कि शीर्षस्थ देशों में है, और हम थर्ड वर्ल्ड हैं, तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और सरकारी नियम कानून के मुताबिक खास माइक्रोन डायमेंशन के ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के बावजूद भी यह बैन ठीक से कम बिहार में तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर कोई लागू हो रहा है, या इसके पीछे कोई कठोरता से प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। तो प्लास्टिक तो हम लोगों की जिंदगी में प्लास्टिक आया, और इसने इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न की कि ये एंथ्रोपोसिन इपोक की भी बात लोग करने लगे, मनुष्य द्वारा नियंत्रित इपोक, ये जो करीब 12,000 वर्षों से चला आ रहा था होलोसीन इपोक। तो जियोलॉजिस्ट्स के एक ग्रुप ने इस बात की भी चर्चा की, जब इसको समाप्त हुआ मान लिया जाना चाहिए, और एक नए इपोक आपको एंथ्रोपोसिन की शुरुआत मान ली जानी चाहिए। हालांकि उनकी बॉडीज ने, उनके इंटरनेशनल यूनियन है, उस बॉडी ने इसको पास नहीं किया, वहां से पारित नहीं हुआ, लेकिन एक कंसेप्ट के तौर पर तो ये हमारे साथ है, ये आगे भी रहेगा। प्लास्टिक उनमें से एक पैरामीटर है कि प्लास्टिक का डिपॉजिट, समझता हूँ कि सब जगह इतना हो गया है, क्या समुद्र, क्या हवा, क्या हमारा शरीर, क्या हमारा हृदय, क्या फीटस, सब जगह मैं समझता हूँ कि माइक्रो ये अमाउंट में प्लास्टिक सब जगह है, और ये समस्या है।
लेकिन मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जिस प्रकार से ये प्लास्टिक हमारे सामने आया तो इसी तरह से हमारे सामने से ये जाएगा भी। वो इसलिए जाएगा कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की तरफ सारी शोध की सारी दिशा मुड़ी हुई है, और मैं समझता हूँ कि उसके चलते और प्रश्न हैं, जैसे इथेनॉल बायो इथेनॉल के उत्पादन में हम कितना किस अमाउंट तक किस रेशियो तक आपको अन्न को हम इसमें यूज करें, ठीक उसी तरह से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए भी ये प्रश्न उसी तरह से ये समीचीन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग इसका रास्ता खोजेंगे, खोज लेंगे, और लेकिन सरकार को जो करना है अपने से जो नियंत्रण करना है वो करे, वो भी करना जरूरी है। और अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं, खास करके जो जो काम हम प्लास्टिक से करते हैं तो उसके जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उनको भी किया जाना चाहिए। और जो प्लास्टिक अभी है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, खास माइक्रोन डायमेंशन का प्लास्टिक है, या अन्य जो प्लास्टिक हैं जिनका निदान एक समस्या बना हुआ है, तो उस पर भी हम सोचें, उस पर भी हम तो काम करें। सेंचुरी ऑफ जूनोटिक डिजीजेस की हमने बात की, अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो हमारे यहाँ समस्या है उसका क्या निदान है। सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, कि हमारे पास जो ग्रीन एनर्जी जो सोर्स है उस पर जो हम काम कर रहे हैं दिन रात, देश और विदेश के लोग, सब जगह पूरी दुनिया के लोग काम कर रहे हैं, और ये जो नेट जीरो का हमारा कंसेप्ट है, शून्य कार्बन, उसके प्रति देश प्रतिबद्ध है, और ये हम जो देख रहे हैं खास करके विकसित देशों की तुलना में हम एक विकासशील देश हैं। अन्य देशों ने तो 2045-50 तक ये मान लिया है कि हम नेट जीरो की स्थिति प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भारत चूंकि एक विकासशील देश है तो उसने 2070 की सीमा रेखा को माना है, और बहुत ईमानदारी से नेट जीरो की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सो वचनबद्ध है। हमारे ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगुवाई कर रहा है, अभी बायोफ्यूल अलायंस में भी भारत अगुवाई कर रहा है। तो आज मैं पढ़ रहा था कि बिहार में भी खास करके 6 गुना 2018 में जितना हम इथेनॉल का उत्पादन करते थे उससे 6 गुना उत्पादन अभी हम इथेनॉल का कर रहे हैं, और डीजल पेट्रोल या जो भी हमारे फ्यूल्स हैं उसमें जो ब्लेंडिंग की बात है, खास करके पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग, बायो इथेनॉल की ब्लेंडिंग, तो ये जो बायो इथेनॉल हमारी पॉलिसी है उसमें मैं समझता हूँ कि बिहार भी काफ़ी आगे है। हालांकि उत्पादन जितना उत्पादन हो रहा है बायो इथेनॉल का उतना स्टोरेज क्षमता यहाँ है नहीं उतनी, तो उसको हम लोग दक्षिण के राज्यों में कर रहे हैं। लेकिन जब हम वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हम नेट जीरो के लक्ष्य की प्राप्ति में हम भी अपना योगदान करेंगे, तो ये सारी बातें भी आ रही हैं। जहाँ तक ग्रीन एनर्जी पॉलिसी की बात है, भारतीय रेलवे मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से अपने पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिफाई करने में लगा हुआ है। हमारा जो सेंट्रल रेलवे है उसने भी मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से इस लक्ष्य की प्राप्ति में वो आगे है, और पूरे देश के स्तर पर भी हमारा इंडियन रेलवे जो है इस दिशा में बहुत तेजी से सो काम कर रहा है। तो हम जो हमारा जो जीवाश्मीय ईंधन है फॉसिल फ्यूल्स का जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, भारत यद्यपि वचनबद्ध है कि हम जितना जल्दी हो इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, फिर भी कोयले पर सो हमारी निर्भरता अभी भी है। हम रिन्यूएबल एनर्जी के न्यू एनर्जी के फॉर्म को जितना जल्दी हो उसका भी लक्ष्य बढ़ाने में हम लगे हुए हैं, सारे उपाय उसके लिए किए जा रहे हैं, लेकिन हम आउटराइटली ओवरनाइट जो कोल पर हमारा डिपेंडेंस है, कोयले पर डिपेंडेंस है, वो खत्म नहीं हो सकता। वो विकासशील देश होने की जो हमारी स्थिति है उसको देखते हुए अभी हमें उसमें थोड़ा समय लगेगा। और तर्क तो यही दिया जा रहा है और सार्थक तर्क है कि पर कैपिटा जो हमारा कार्बन एमिशन है वो अन्य देशों की अपेक्षा में अभी भी काफी कम है, लेकिन फिर भी जवाबदेही से हम नहीं भाग सकते। ओवरऑल जो हमारा ये है खास करके ग्रीन हाउस गैसेज का जो प्रोडक्शन है उसमें हम जरूर एक साइजेबल सेक्शन पोर्शन हमारे द्वारा होता है निसरण, तो हम उसके प्रति भी संवेदनशील हैं, और देश बहुत तेजी से तो इस मामले में आगे कर रहा है। अब जहां तक है कि जो हमारे पास बायोमास रिसोर्स है, खास करके अभी अब शुरू हो गया, अब कहानी फिर शुरू हो गई पराली जलाने की, और
एनसीआर जो रीजन है अखबारों में अभी सुर्खियां बटोर रहा है कि फिर से महानगर में, दिल्ली महानगर में आपको पराली जलाने को लेकर जो समस्याएं होती थी वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब बरसात समाप्ति की ओर है और जाड़े का सीजन शुरू हो रहा है और पंजाब हरियाणा में लोग सो जलाना लोगों ने शुरू कर दिया, चढ़ करके खास करके छोटे किसानों ने। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर वही बात, मैं लौट करके फिर आता हूँ भाखड़ा नांगल की ओर एक बार फिर, कि इस स्थिति को बनाने में खास करके हमारे जो बिहारी भाई हैं जो वहाँ मजदूरी का काम करते हैं, दे ऑल्सो हैव देयर स्टेक्स विद द प्रॉब्लम, खास करके स्टबल बर्निंग का जहाँ तक सवाल है। ऐसा है कि अब वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ गए हैं। अब जो वेराइटी खास करके धान की जो वेराइटी ग्रो की जाती है और उसके चलते जो स्टबल बनता है उसका और दूसरी फसल जो उसके बाद हमारी होती है तो उसके लिए खेत तैयार करने में कम समय लगता है। और पंजाब में तो खास करके जब लीन सीजन होता है उस वक्त में अंडरग्राउंड वाटर निकालने पर भी सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा रहता है, तो किसानों के सामने यह समस्या रहती है कि वो क्या करें। बड़े किसान जो इसको एफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं, वो सारी बातें करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं खास करके सब उनके पास सरकार भी मुहैया कराती है, लेकिन छोटे किसानों के समक्ष वो समस्या है और वहाँ बिहारी मजदूर भी होते हैं और इस स्थिति में वो एक बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाते हैं, तो कुल मिला करके स्थिति एक नकारात्मकता की ही बनती है। तो इस पराली का समाधान कैसे पाया जाए, मैं भी मैं आशावान हूँ कि लोग वैज्ञानिक इस बात में लगे हुए हैं, खास करके डिकम्पोजर्स जो स्प्रे करने की बात होती है IRI के द्वारा जो बनाया हुआ है तो वो भी हो रहा है, होना शुरू हो गया है, लेकिन एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना है। ऐसी स्थिति में संभावना क्या बनती है भविष्य के लिए, तो भविष्य के लिए संभावना यही बनती है कि जो हमारा जो ये इनॉर्मस बायोमास है हम उसको उसका बेस्ट यूज कैसे करें। तो अब यही उसमें अब हमारे यहाँ उदाहरण है खास करके कि पहाड़ों में, खास करके उत्तराखंड के पहाड़ों में, हिमाचल में ये जो हम लोग कहते हैं दावा नल अर्थात जंगल की आग, तो उसको भी ये भी एक भयंकर समस्या पहले से है लेकिन लोगों ने उसका भी निदान ढूंढा है। अब पाइनस नीडल्स से ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिकेट्स बनाए जा रहे हैं और वो जमा किए जा रहे हैं, सीधे वो जल जाएं, जलकर नष्ट हो जाएं, हमारे प्रदूषण को बढ़ावें, उसकी अपेक्षा उनको कंप्रेस करके ब्रिक्स के रूप में स्टोर किया जा रहा है। बहुत लार्ज स्केल पर ये नहीं है लेकिन ये हो रहा है। ठीक उसी तरह से ये जो स्टेबल बर्निंग की समस्या है, मैं समझता हूँ सरकार भी तरह तरह का इंसेंटिव दे रही है, उसको सब्सिडाइज कर रही है और कि ये जो बायोमास है खास करके स्टेबल का जो बायोमास है, पराली का, पुआल का जो हम लोग कहते हैं इसको, तो उसको भी इसी तरह से जिस प्रकार से पाइनस मिडिल का समाधान, उसको जलाने का समाधान पाइनस ब्रिक्स बना करके हुआ है, ठीक उसी प्रकार से स्टेबल सभी ब्रिक्स बनाए जाए और उनको स्टोर कर बायोमास एनर्जी के रूप में स्टोर करके रखा जाए, जब जरूरत हो तब उनका उपयोग किया जाए और ये इनॉर्मस बायोमास जल करके राख ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए और समस्याएं, प्रदूषण की समस्याएं ना उत्पन्न करे। तो ये एक समाधान दिखता है, हालांकि उसमें समय लगेगा पूरी तरह से, लेकिन मैं आशावान हूं कि ये स्थिति हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम बैठे हुए हैं खास करके उत्तर बिहार में, तो हमारे यहाँ भी एक दूसरे तरह की समस्या है। यहाँ के जलाशयों में और खास करके अब तो नदियों में भी, दिखाओ फोटो, ये नदियों में भी जब पानी ठहर जाता है तो वो जो आइकोर्निया वाला जो फोटो है था ना अभी, हाँ ये इससे पहले, इसके बाद हाँ ये देखा जाए, दिखाई पड़ रहा है, जी हाँ सर विजिबल दिखाई पड़ रहा है, नहीं आइकोर्निया दिखाना चाह रहा हूँ, हाँ ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल अच्छा। ये हाँ ये आप देख सकते हैं, ये आपको ये एक धारा है, ये कमला नदी की 10 धाराएं हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर डेड और एक है अभी जीवंत जो कि झंझारपुर के नजदीक है और अभी तो उसमें भयंकर बाढ़ आई हुई है, लेकिन यदि आप वहां से गुजरे अप्रैल मई के महीने में तो जिसको कहते हैं कि शपथ कसम खाने को भी एक बूंद पानी नहीं रहता, बहुत ही उम्दा किस्म का पुल वहां रसियारी के पास बनाया गया है, लेकिन आवागमन की समस्या तो हल हुई
लेकिन उसके बाद से मुझे जाने का वहां मौका मिला, खास करके अप्रैल मई के महीने में, नीचे जिसको कहते हैं शपथ खाने को भी एक बूंद पानी नहीं था। एक तो लोग रोक रोक करके इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए उसको यूज करते हैं, लेकिन उसी के बगल में फिर गेहुमा नदी है, उसमें आपको पूरा, हम समझते हैं कि पूरा मर्द पानी ऐसे उसमें था और उसमें लोग डूब करके लोग मरते भी हैं। तो ये जो फॉल्टी समस्या है, खास करके जल प्रबंधन को लेकर के और पर्यावरण की बड़ी, बहुत बड़ी समस्या इससे जुड़ी हुई है कि ये तटबंध अब कितने उपयोगी रहे, यह भी एक समीचीन विषय हो गया है। हमारे IIT के इंजीनियर दिनेश कुमार मिश्र जी, उन्होंने अपना जीवन इस पर पूरा जीवन लगाया और यहाँ की सभी नदियों पर उनके उनकी स्वतंत्र पुस्तकें हैं और ये विचार पूरा जीवन उन्होंने लगाया है, तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है। ये तटबंध किस तरह से अब कितने कारगर हुए, इनको इनका क्या हो आगे, क्योंकि बाढ़ की समस्या और जलाप्लावित क्षेत्र की समस्या जब से ये तटबंध बने तब से बढ़ गए। वाटर लॉगिंग जो तटबंध के दोनों तरफ जो वाटर लॉगिंग है उसके चलते समस्या होती है, तो ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा था बायोमास एनर्जी की बात कर रहा था, तो ये जो आप इनॉर्मस बायोमास देखते हैं, ये आइकोर्निया के फॉर्म में, जिसको किचली भी बोलते हैं, ढाकन बोलते हैं, बोकन बोलते हैं, जहां जहां जिस क्षेत्र का के हिसाब से लोगों ने इसका नाम रखा है, और ये यहाँ का इंडिजिनस प्लांट है भी नहीं, ये मुश्किल से इसकी कहानी 100-125 वर्ष पुरानी है इंडिया में। कोई विदेशी औरत जिसको बहुत अच्छा लगा, इसका फूल अच्छा लगा, वो यहाँ ले आई और ये यहाँ आने के बाद ये इतना प्रोलिफरेट कर रहा है, खास करके नदियों को भी नहीं इसने छोड़ा है। ये नदी की धारा स्थिर है और आप ये देखिए पूरी की पूरी कमला की मृत धारा है, आपको ये बहरी के पास बहरा बहरी रोड पे ही है। अब इस बायोमास का भी मैं समझता हूँ कि जो समस्या पंजाब हरियाणा में स्टबुल के साथ है, जो समस्या उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आपको पाइनस निडिल के साथ है, और जो समाधान खोजा जा रहा है ठीक उसी तर्ज पर इस बायोमास से भी आपको बायोमास ब्रिकेट्स बनाने की बात होनी चाहिए। लोगों ने इस पर रिसर्च पेपर आए हैं, लोगों ने बना करके दिखा भी दिया है किस प्रकार से कंप्रेस्ड ब्रिक्स इससे बनाए जा रहे हैं, तो लार्ज स्केल पर इसको अडॉप्ट कर और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अदरवाइज ये तो समस्या ही समस्या है अपने आप में, ये मलेरिया की भी जड़ है, मलेरिया का मच्छर इसमें आश्रय पाता है और ये कहा जा रहा है कि जब से आइकोर्निया आया है तब से मलेरिया की भी समस्या सो बहुत आगे बढ़ी है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको ये फोटोग्राफ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। हाँ ये इससे ये देखिए, इसके बाद मैं आता हूँ इस एक ग्रास पर आता हूँ और मैं बहुत ही कॉन्शसली इस मामले को उठाना चाहता हूँ। ये भेटीभर ग्रास है, इसको हमारे यहाँ कतरा झाड़ बोलते हैं, संस्कृत में इसको उशीर कहा जाता है और कई तरह के देवताओं के साथ, खास करके सूर्य पूजा से तो इसका सीधा संबंध है। और जो ये 6 महीने का रवि शनि व्रत होता है, खास करके महिलाएं वो रविवार को अनोना करती हैं, नमक नहीं खाती हैं, और ये खास करके अगहन के ये इजोरिया में शुक्ल पक्ष में रविवार को इसको इस पूजा को शुरू किया जाता है, जिसको सौंपना टेकना बोलते हैं, और फिर बैसाख के इजोरिया में इसको सौंपा जाता है। तो 6 महीने तक वो अपनी ममता पूर्ति के लिए इसमें गांठे वगैरह भी बांधती हैं। तो ये तो उसका अपना लोक शास्त्रीय पक्ष हुआ, लेकिन ये इसमें इट हैज दिस प्लांट दिस ग्रास हैज गॉट इनॉर्मस कैपेसिटी। ये खास करके वायुमंडलीय जो ताप वृद्धि है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की इसकी काफी क्षमता है। और इस बार तो मैं गया था, मैं मखाने के काम से जाता रहता हूँ, और एक गांव है बेलवाड़ा कमतौल के पास खिरोई नदी के नजदीक, और आपको जान करके हैरत नहीं होनी चाहिए इस बात को कि पूरे एक महीने उस खिरोई नदी, जिसको कि संस्कृत में क्षीरोदकी बोलते हैं, दूध जैसा इसका पानी होता है इस कारण से, तो उस खिरोई नदी में पूरे एक महीने तक एक बूंद भी पानी नहीं था। 2024 में 40-42 साल के किसान थे जिनके पास मैं गया था मखाना से संबंधित जानकारी लेने के लिए, उन्होंने कहा कि 40-45 वर्ष की मेरी उम्र है, मैंने अपने उम्र में ये स्थिति कभी नहीं देखी, पूरे एक महीने तक खिरोई नदी में एक बूंद भी पानी नहीं था। और ऐसी स्थिति मैं समझता हूँ क्षेत्र में जो अन्य छोटी छोटी नदियां हैं उनकी भी हुई है इस बार 2024 में, फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले कि धारा पूरी तरह, धारा क्षीण होती है
खास करके ग्रीष्म काल में, लेकिन एकदम बंद हो गई, ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है। तो एक तो ये स्थिति थी और दूसरी आप देखिए कि प्रलय मचा हुआ है तटबंध टूटने के कारण, तो ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है। और इसकी जड़ें जो है, ये जो वेटिवर ग्रास पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये इसकी जड़ें एरोमेटिक होती हैं, सुगंधित होती हैं, उशीर इसको कहा जाता है। और एरोमेटिक ऑयल इसकी खेती इसलिए भी प्रमोट की जा रही है बहुत जगहों पर कि ये एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी, खास करके ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ये खूब होता है। और नदियों में भी जहाँ ज्यादा बालू है, जहाँ मिट्टी बनने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो वहां भी खास करके सॉयल में ऑर्गेनिक मास ऐड करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बहुत सारे लोग तो इसमें भी लगे हुए हैं जिनके पास उपाय है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर, रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर बिहार के ही हैं, पतंजलि झा जी, वो सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उन्होंने नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश में जमीन खरीद कर फूड फॉरेस्ट डेवलप किया है, और उस फूड फॉरेस्ट में बहुत सारे अन्य ये पेड़ हैं, फसलें निकाली जाती हैं, नींबू वगैरह, खास करके सुगंधित नींबू वगैरह, और उसका एक मेन कंपोनेंट ये वेटिवर ग्रास है। तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 2-3 साल पहले था, पहले जो थाईलैंड के राजा थे, भूमिबोल अतुल्य तेज लिखते थे, उनका जो जन्मदिन है 5 दिसंबर, वो आपको इंटरनेशनल सॉयल डे के रूप में मनाया जाता है। और उसका मुख्य आधार यही वेटिवर ग्रास है, मुख्य आधार उसका वेटिवर ग्रास है। और कई सारे देशों में, उधर थाईलैंड में, वियतनाम में, चाइना में, इन सभी देशों में इस केवल एक ग्रास पर अभी तक 7 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुके। 2011 में एक हुआ था अपने देश में, सीमैप लखनऊ में, वहां जाने का मुझे मौका मिला, तो उसके बाद मैंने इसके महत्व को समझा। और ये 8वां कॉन्फ्रेंस इसका अगले साल चेन्नई में, 2025 में चेन्नई में होने जा रहा है। तो ये एक वर्सेटाइल ग्रास है। और हमारी यहाँ अपनी परंपरा में, भारत की परंपरा में, हमारे यहाँ मिथिला की परंपरा में इसकी जो विधिवत पूजा होती है, तो मैंने इसको जानने की चेष्टा की, उसमें गाय के गोबर के साथ, मिट्टी के ढेले के साथ, तो इसकी पूजा होती है, आज भी होती है। पहले सब जगह होती थी, लेकिन आज भी जहाँ पशुपालन है वहाँ इसकी पूजा होती है। लोगों ने इस परंपरा को सहेज कर रखा है। और मेरी समझ में, जो हम लोग जो अक्सर पश्चिम की ओर ताकते हैं कि वहां से कोई हमें पर्यावरण संरक्षण का कोई मॉडल मिले जिसकी हम चर्चा करें, तो उसकी जगह पर इसको वेटिवर वर्शिप का की जो परंपरा हमारे यहाँ है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। नदियों के किनारे ये स्वतः होता है, अपने आप होता है, और नदियों का जो क्षरण है, मृदा क्षरण है, उसको रोकने में इसकी बाढ़ के समय में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और हमारी संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है। कई सारे ये जो हमारे यहाँ जो दशगात कर्म होता है मृत्यु के बाद, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और भी कई जगह अष्ट, हम लोग जो ये गंध वगैरह बनाते हैं विभिन्न देवताओं के लिए, उसमें भी इसकी जड़ का प्रयोग होता है। और हमारे यहाँ जो सिक्की आर्ट है, जिसको सिक्की आर्ट कहते हैं, इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, और बिहार के सिक्की आर्ट को, मिथिला के सिक्की आर्ट को तो GI टैगिंग भी मिली हुई है। तो इसी का जो डंठल है, जिसको स्टॉक बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस स्टॉक या पेडंकल, उसका प्रयोग होता है। और जिस गांव में मैं गया था, बेलवाड़ा में कमतौल के नजदीक, वहां मुझे जानकारी मिली कि उधर फिर चंपारण साइड से महिलाएं आती हैं और इसका स्टॉक कलेक्ट करके ले जाती हैं और उससे तरह तरह के सिक्की आर्ट बनाती हैं। और आजकल तो पहले के जो कंटेनर वगैरह होते थे, मौनी, पौती, बिरहरा वगैरह, उसके स्थान पर अब बहुत ही एक्सक्विजिट सो वॉल हैंगिंग्स बनाए जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ रामपुर गांव है, हिस्टोरिकल गांव है, वहाँ के एक श्री धीरेन्द्र कुमार जी हैं, उन्होंने इसको ईजाद किया। और अब तो मैं समझता हूँ कि इसकी इंटरनेशनल सप्लाई होती है। लखनऊ में जिस कॉन्फ्रेंस में गया था वेटिवर पर, तो मैं उनके बनाए कुछ वॉल हैंगिंग्स ले गया था, और मुझे 10 मिनट का जो समय अपने प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया था, तो मैंने टेबल पर रख दिया था। और जब तक मेरा कॉन्फ्रेंस, क्या चीज का पेड़ है ये जो आपका ये वेटिवर ग्रास है, खस, जिसको खस भी बोलते हैं, खस भी बोलते हैं। हाँ, अब तो एयर कंडीशनर का जमाना है, लेकिन पहले के जो कूलर्स वगैरह होते थे, वो खस की टट्टी लगाई जाती थी, जो लोग एफोर्ड कर सकते थे। झा साहब, 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करूं। इसको असल में पहले इत्र जो बनता था,
तो खस का इस्तेमाल होता था, इससे इत्र भी आज भी बनता है। और ये कन्नौज जो है यूपी का जो कारखाना है वहाँ खजाना है, मतलब शुरू से इत्र बनाने का वहाँ वो बेस है, हब है, इत्र भी बनाया जाता है, आज भी बनाया जाता है। और एयर कंडीशनर आने से पहले अलग है क्या कुछ, और ये वाला जो है ये कुछ भी इसी फैमिली का, कुछ भी इसी फैमिली, पोएसी का प्लांट है वो भी इसी फैमिली का ग्रास है ना, शुगर केन भी इसी का है ना। और तो ये वर्सेटाइल ग्रास फैमिली है, इसमें बहुत अच्छा सुगंध आता है जब हम लोग कूलर चला, बहुत सुगंधित जड़ है इसकी, एरोमेटिक है। और साउथ इंडिया में तो जितने मंदिर हैं सब जगह इसकी माला बना करके देवताओं को माला चढ़ाई जाती है, ये बहुत ही आजकल गाड़ी पर लोग ऊपर में इसको रखते हैं जिसे अंदर माहौल ठंडा रहे। हाँ, हम ये पहले जो कच्ची होती थी, दिल्ली में भी देखा, बंबई में भी देखा, कूलर और एयर कंडीशनर आने से पहले घर में जो टट्टी लगाई जाती थी गर्मी के समय में वो इसी की बनी होती थी, इस पर पानी छिड़का जाता था और बहुत ही ठंडा और सुगंधित माहौल बना रहता था। माहौल बना तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि ये एक वर्सेटाइल ग्रास है और इसको लेकर के हमारे यहाँ भूमि संरक्षण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और अभी एग्रीकल्चर कृषि विविधीकरण जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, उसमें ये उसका एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है और है। और इसी इसको समझा थाईलैंड के राजा भूमिबोल अतुलितेज ने, अब वो नहीं है, वो इसके बहुत बड़े समर्थक थे। और 2011 में सीमैप में जिसमें मैं गया था वहां पर उनकी बेटी, भूमिबोल अतुलितेज की बेटी महाचक्री सरिंधौर, वह खुद भी बहुत विदुषी है, संस्कृत के भी विदुषी है, वो एक लंबा चौड़ा टीम साइंटिस्ट का लेकर के आई थी एंड सी प्रेजेंटली सी इज हेडिंग द वेटिवर ऑर्गेनाइजेशन, वेटिवर को लेकर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वही सी इज हेडिंग इट। तो ये एक जिस पर मैं जोर देना चाह रहा था कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम बहुत बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें खोजते हैं, तो उसकी जगह पर हमारी सारी आवश्यकताओं, हमारी जो मूलभूत जो हमारा अपना जो पर्यावरणीय जो हमारा सिचुएशन है उसमें ये बेस्ट सो एंटीडोट है पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, भूमि का संरक्षण करने के लिए, आपको ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से ये लड़ने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं एनर्जी ब्रिकेट्स के बाद ये हमने इसकी बात की, भेटीवर की बात की, तो इस तरह से ये कुछ डायमेंशंस हैं, ये जो कुछ डायमेंशंस हैं पर्यावरण संरक्षण के जो हम अपनी नजरों से देखते हैं, दिन प्रतिदिन उसमें जीते हैं, तो इसको इस पर भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए और ये हमारी प्रायोरिटी में तो आना चाहिए। अब मैं आता हूँ एक जो दूसरा पक्ष है पर्यावरण संरक्षण का, वो है जोशी साहब, उमेश जोशी साहब, बीच बीच में मेरा ये कनेक्शन कट जा रहा है, तो बीच में कट जाए तो जोशी साहब इसको संभाल लीजिएगा, क्योंकि नैनीताल में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे कनेक्टिविटी कभी कभी बीच बीच में छूट जा रहा है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल हूँ और आज तो बहुत अच्छे, मतलब एक से हाँ, बहुत अच्छे बच्चा है, बहुत अच्छे श्रोता भी आ गए हैं, सारे विद्वान श्रोता, सिकंदर जी भी आए हैं और सारे लोग जितने आए ना, मणिशंकर झा आए हैं, संजय मिश्रा आए हैं, श्रद्धानंद चौधरी आए हैं, उमा शंकर जी आए हैं, डॉक्टर एस एम भट्ट आए हैं, सुशील जी आए हैं, विनय शुक्ला आए हैं, चंद्रशेखर भूषण जी आए हैं, सीमा सिन्हा आई हैं, सब तरह तरह के अच्छे अच्छे विद्वान आए हैं हमारे यहाँ। आज का वेबिनार बहुत सफल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर एल एन जोशी साहब भी हैं जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, बहुत एल एन जोशी में बैठे हुए हैं, एल एन जोशी जी आप अपने बहुत अच्छा सर आए, बहुत अच्छी बात है आज, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी हो रहा है, हमारे इंटरनेशनल विद्वान विद्यानाथ झा जी बोल रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे श्रोता है। इसको विनय शुक्ला जी बड़ा अच्छा से रिकॉर्ड करिएगा, सिकंदर जी आपका रिकॉर्डिंग कल हमने भेज दिया है, डॉक्टर मिल गया था। मैंने उसको अपलोड भी कर दिया यूट्यूब पे, कहीं मुलाकात भी रही होगी डॉक्टर एल एम जोशी साहब की, बड़े सीनियर ऑफिसर है। अच्छा, उमा शंकर की मुलाकात हुई है, आईएफएस लखनऊ में ही है, नहीं अच्छा, तो अभी आज मैं स्लाइड्स ठीक से नहीं बना पाया, लेकिन चलिए फिर भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है,
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कंटिन्यू करिए। हमने थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए किया कि हम जैसे बाहर जा रहे हैं इसका ये इंटरनेट खत्म हो जा रहा है, तब तक हमारे जोशी संभाल देंगे। हमारे जोशी मैं बढ़ाता हूँ, बात को आगे बढ़ाता हूँ। बढ़ाइए। अब मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो वॉलंटरी एफर्ट्स हो रहे हैं, वॉलंटरी स्वतः जो लोग आगे आ रहे हैं और इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका भी ड्यू नोटिस लिया जाना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा जिनमें कुछ से तो मैं जुड़ा भी हुआ हूँ। दिखाऊंगा, अभी मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। तो ये जो वॉलंटरी एफर्ट्स, मतलब स्वतः लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं इस दिशा में, तो उसकी भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि उसका सरकारी प्रयासों के साथ साथ जो वॉलंटरी एफर्ट्स हैं उनका भी पर्याप्त नोटिस लिया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पीपल नीम तुलसी अभियान चल रहा है, और एक ये होम्योपैथी डॉक्टर हैं धर्मेंद्र कुमार जी, वो ये अभियान चला रहे हैं। पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया है, और मुझे भी मौका लगा था प्रयागराज में संगम के समय में, ये मतलब पिछले साल कार्यक्रम हुआ था, वहां जाकर के खुद अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क से लोग जुड़े हुए हैं, और खास करके बोध वृक्ष का कॉरिडोर पटना में, और सीड बॉल्स स्प्रे करके फेंक करके किस तरह से लगाए जाएं, जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां हम सीड बॉल्स बना करके भी वो पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही स्तुत्य, बहुत ही श्लाघ्य, सराहनीय इनका प्रयास हो रहा है। एंड ही हैज क्रिएटेड ए नेटवर्क ऑफ वॉलंटियर्स खास करके क्षेत्र में। फिर आइए हम आते हैं, एक संस्थान है आपको नालंदा में, गोरैया बिहग फाउंडेशन, गोरैया बिहग संस्थान, राजीव पांडे जी एक एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, वो इसको चला रहे हैं, और खास करके गोरैया जो पक्षी है, बगरा जिसको हम यहाँ कहते हैं, उसके संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। इनको हाल में पुरस्कार वगैरह भी दिए गए हैं इस काम के लिए। फिर हम आते हैं, एक ट्री मैन है राजेश कुमार सुमन जी, वो समस्तीपुर जिला के रुतरा के नजदीक के हैं, और वैसे तो वो कोचिंग चलाते हैं, लेकिन किसी भी अवसर पर वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के किसी भी अवसर पर किसी के यहाँ भी ये फटक सकते हैं, और आते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि इस अवसर पर आप सो लगाइए, इस अवसर पर आप वृक्ष लगाइए, और लोगों को प्रेरित करते हैं। और उन्होंने अपने आप में एक संस्था है, और ही हैज कंट्रीब्यूटेड ए लॉट थ्रू हिज वॉलंटरी एफर्ट्स। फिर हम चर्चा करते हैं, एक है राम प्रकाश रवि, जो हम समझते हैं कि संभवतः वो मजदूरी का काम करते हैं, और बिहार के सुपौल जिला में वो ही इज ऑल्सो नोन एज ए ट्री मैन, और वो वृक्ष लगा रहे हैं और लगाते चले जा रहे हैं, तो इसका भी ड्यू नोटिस लिया जाना चाहिए। एक है समीर अंसारी, ये आपको देवघर में रहते हैं, और वहाँ के जो वाटर बॉडीज हैं जो लुप्त हो चुके थे, तो उनको उन्होंने रिवाइव किया है थ्रू हिज एफर्ट्स, थ्रू हिज इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसका कि हम लोग ये उसका संवर्धन होना चाहिए, आपको पुरस्कारों के हो या फिर फाइनेंशियल हेल्प किसी हो, जो एफोर्ड कर सकते हैं वो इन यदि अपनी ओर से कुछ कंट्रीब्यूट करें तो इनके अभियान को काफी सुगति मिलेगी। यही इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। अब जो छोटी नदियां हैं, मैं अभी दिखाऊंगा कुछ स्लाइड्स आपको किस प्रकार से हमारे यहाँ जो कोशी, हमारे यहाँ जो कमला नदी है उसकी बाकी धाराएं, ये यहाँ इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो धारा परिवर्तन के लिए सो पहले से जानी जाती हैं, तो इसमें ये उनके रिवाइवल के लिए भी एक सक्सेस स्टोरी हमारे यहाँ है आपको लखनदेई नदी का, सीतामढ़ी के जो लखनदेई नदी बहती है सीतामढ़ी में, वो भी मृतप्राय हो गई थी। एक हिस्टोरियन है राम शरण अग्रवाल जी, वहीं के रहने वाले हैं सीतामढ़ी के, और उन्होंने लोगों को तैयार किया, और 2014 से वो लगे हुए थे इस काम में, और लोगों को गोलबंद किया, और गोलबंद करके बाद में सरकार ने इसको टेकअप कर लिया। उसका जो मुहाना है वो जहाँ नेपाल से इंडिया में एंट्री पॉइंट है उसका, वहाँ बंधा हुआ था, और बाद में फिर सरकार ने भी इसको अंगीकृत किया, और वो नदी दैट हैज बीन रिवाइव्ड। फिर उसी तरह से धनौती नदी है मोतिहारी में, फिर एक सोनी नदी है
ये पिपरा घाट की जो त्रिवेणी है जहाँ कमला बलान और सोनी नदी भी एक मृतप्राय हो चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा यदि हम लोग प्रयास करें, वैसे एक ग्रुप है यहाँ तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, रिवाइवल ऑफ द रिवर असी, आपको काशी में वाराणसी में यूएन राय जी हैं और कई सारे लोग उसमें हैं, वहाँ भी एक फ्रंट बना हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत प्रगति उसमें हुई है, लेकिन इसको लेकर के निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना जो क्लेम है, हमारी अपनी जो बात है उसको हम रखते रहें, और एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब इसका भी ध्यान दिया जाएगा, रखा जाएगा। तो मुझे जो कहना था, खास करके मैंने अपनी बात कही, अभी बायोफ्यूल्स को लेकर के भी चर्चा हुई, और इधर जो कैंपा फंड की बात होती है, डॉक्टर उमाशंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, अभी खास करके जो हिमालय क्षेत्र के जो राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ उन राज्यों में टूरिज्म ज्यादा होता है और विकास के नाम पर रोका जाता है गतिविधियों को, तो ये जो हमारा कैंपा फंड है उससे, उसके साथ साथ अन्य भी राज्य हैं, बिहार को भी काफी फंड उससे मिलता है, और वृक्षारोपण कार्य हो रहा है, वन विभाग भी जो हमारा है सरकारी वन विभाग, वो भी इसमें मैं देखता हूँ कि पूरी निष्ठा से वो लोग लगे हुए हैं, ग्रीन कवर कैसे बढ़ाया जाए। बिहार और झारखंड जब अलग हुए थे तो बिहार में मुश्किल से 7% जिसको जंगल कहते हैं वो क्षेत्र बच गया था, और बाकी सो बाग बगीचा वगैरह लगा करके 10% के आसपास ग्रीन कवर था, लेकिन आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि 15% ग्रीन कवर, मैं फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रीन कवर 15% पर पहुंचा है, और सरकार का कहना है कि उसको हम 17% तक तो ले जाएंगे, और उनकी जो गतिविधियां हैं जो आंख से हम देखते हैं, तो इससे विश्वास होता है कि वास्तव में ये क्रियाशील है, हम आशा करते हैं कि यह सो और भी आगे बढ़े। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के मैं अपनी एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ दरभंगा में था, एक कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो उस वक्त में एक टीम खेल की महिलाओं का कॉलेज था, तो ये कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी, तो कबड्डी प्रतियोगिता इसके ऊपर तो हिमाचल प्रदेश में आपको फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये सोलन में YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, तो वह थोड़ा सा मैं बॉटनिस्ट हूँ, तो इसको लेकर के मैंने इच्छा जाहिर की, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप उस टीम को लेकर के जाइए। मैं गया सोलन तक और उस यूनिवर्सिटी में भी जाने का मौका मिला। मैंने सुन रखा था कि हिमाचल प्रदेश में सेब के ये होते हैं, सेब वहाँ मिलता है काफ़ी, उसके पेड़ हम देख सकते हैं, तो लेकिन मैं पूरी यूनिवर्सिटी खोजता रहा सेब का, मुझे बहुत खोजने पर एक हॉस्टल के पास एक पेड़ मिला, हालांकि उसमें सेब उस वक्त नहीं था। लोगों ने बताया कि अब ये और भी ऊंचाई पर ये चला गया है, अब ये हिमाचल का निचला क्षेत्र है, तो यहाँ आप इसको करीब करीब नहीं ही मिलेगा। एक तो ये कहानी है सेब की कहानी, जो कि मैं खोजता रह गया, पेड़ मैंने जरूर देखा लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरी कहानी है, अक्सर सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनके साथ कुछ मीटिंग्स में अटेंड करने का मौका मिला था, तो वो अक्सर करते थे कि जो हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड का जो स्टेट ट्री है, आपको बुढ़ांस उसको बोलते हैं, और रोडोडेंड्रम आर्बोरियम, और ये बोटेनिकल फैमिली एरिकेसी का प्लांट है, और वहाँ बुढ़ांस वहाँ की जो जीवन धारा है उसका एक प्रमुख अवयव है, वो बुढ़ांस वहाँ का स्टेट ट्री भी है, और उसे तरह तरह की चीजें, आइटम्स पे वगैरह बनाते हैं। वो बुढ़ांस भी मैं समझता हूँ कि अब देहरादून में नहीं मिलता, जहाँ तक मैं गया था मैंने कोशिश की कि मैं देखूँ अपनी आंखों से, अब वो भी बहुत ऊंचाई पर खिसक गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो ये असर है, जो आम जीवन में जो बातें हम लोग जीते हैं, तो वो देखने का मुझे अपनी आंखों से मिला, तो यह एक बहुत ही दुखद ये है, किस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र की सतह बढ़ रही है, और ये जो खास करके विपर्जय हैं पर्यावरण को लेकर के, जो एरिया पानी का सरप्लस था वो वाटर डेफिशिएंट होता चला जा रहा है, ये सारी विद्रूपताएं विडंबनाएं हैं जो कि हम एक साथ भोग रहे हैं। तो इसको हम देखें, हम किस तरह से सो इसको कर सकते हैं, अपना योगदान कर सकते हैं पुराने सिचुएशन को रिट्रीव करने में, और ये भयंकर चिंता का विषय है, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। अवर वेरी सर्वाइवल इज एट स्टेक, और मनुष्य जाति के सामने मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा विपर्जय जिसको कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति, वो नहीं हुआ था,
तो अब मनुष्य को सोचना है वो क्या करे, वो दूसरों को भी जीने दे, केवल अपना अधिकार मानता है कि इस पृथ्वी पर रहने का हमारा अधिकार है। मनुष्य जब केवल एक एक कंपोनेंट था इस पूरे ये क्या कहते हैं जीवन जगत का इस पृथ्वी पर, तब उतनी समस्या नहीं थी, तब वो मात्र एक कंपोनेंट था। लेकिन जब से ये डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया है, डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया है, तब से स्थिति और भी खराब हुई है। तो इसको हमको देखना चाहिए ये उसके, और उस पर चिंतन करना चाहिए। अभी जो मार्च अप्रैल में जो गर्मी हुई मार्च अप्रैल में, इस बार आपका खास करके गर्मी जो थी वो तो थी, लेकिन जो हीट इंटेंसिटी खास करके ह्यूमिडिटी के कारण जो हुई, और टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास चला गया, और ये बहुत बड़े क्षेत्र में चला गया। तो और ये करीब करीब मैं समझता हूँ कि पिछले साल से ये चल रहा है, आगे भी यही स्थिति रहने वाली है। तो हम क्या करें, घरों में एसी लगाना, मैं समझता हूँ कि उस पर एडिटोरियल्स आ रहे हैं कि क्या हम जो लोग समझते थे कि जिनके पास लग्जूरियस लाइफ जीने का ये है, वही केवल अपने घरों में एसी लगाते हैं, बाकी लोगों को प्रकृति परिस्थिति देती ही है, बाकी लोग जीते ही हैं। तो अब ये जीवन मरण का प्रश्न हो गया है, मौलिक अधिकार का प्रश्न हो गया है कि हम बिना एसी के महानगरों में खास करके, अब तो छोटे नगरों की भी यही हालत है, हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सब विचार ये प्रश्न है। कुछ स्लाइड्स मेरे पास रह गए हैं, मैं आपको जल्दी से दिखा देना चाहूंगा। ये बिहार, एक सेकंड, विश्व नदी अवसर पर, नदी दिवस पर नदी पानी पर्यावरण और समाज को समर्पित साथी विजय भाई और रंजीत जी की स्मृति में पटना में ये हुआ था। मैं नहीं जा सका, मुझे भी था निमंत्रण, लेकिन बहुत बारीकी से मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट, वो हाँ, उसके बाद विनाशकारी विकास ने कमला की 9 धाराओं की हत्या कर दी। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ो। कोसी का इतिहास ये पूरा है, अब तो सारी बातें सामने आ रही हैं। कोसी बढ़ा रहा है माउंट एवरेस्ट तक ऊंचाई, अभी ये भी खबर आई है कि पहाड़ों के नीचे जो वाटर बॉडी है उसके चलते माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। नेक्स्ट वन, उसके बाद एससी स्लैम्स एयर पोल्यूशन पैनल फॉर फेलिंग टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। अब तो ये सुर्खियां, ये इस तरह के समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे हैं। फिर आप, नीति आयोग रिपोर्ट प्रोवाइड्स ए रोड मैप टू डील विथ पेंडेमिक्स, इम्प्लीमेंटिंग इट विल रिक्वायर वर्क ऑन सेवरल फ्रंट। पेंडेमिक पर स्टबल बर्निंग फार्मर से डिड नॉट ट्रिकलिंग डाउन इफेक्टिवली। पराली जलाने को लेकर को रोकने के निर्देशों को लागू करने का नहीं हुआ प्रयास, जनसत्ता। नेक्स्ट वन, हाँ, इन द एज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स दीज वुमेन प्रिजर्व सेंचुरीज ओल्ड मिलेट्स। यह बहुत ही उचित है, इस भारत सरकार भी और हम समझते हैं कि यूएनओ के लेवल पर भी अब ये मिलेट्स पर चर्चा हो रही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो भी इसमें है, उसके प्रोस एंड कॉन्स पर काफी चर्चा होती है। ग्रीन हाइड्रोजन देख रहे हैं, आज का ये प्रमुख है। उसके बाद ईवी पुश, इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश, कैबिनेट अप्रूव्स 10,900 करोड़ और न्यू स्कीम्स। खेतों में पराली नहीं जलाने की किसानों ने ली शपथ, अब ये शपथ कितनी कारगर होती है। उज्ज्वला स्कीम में गेट 4th एक्सटेंशन, सरकार तो प्रयास कर रही है अपने लेवल पर। बस बर्बाद, हाँ, ये आपने देख लिया। जलवायु संकट से 40 करोड़ से ज्यादा बच्चों की शिक्षा प्रभावित। विश्व पशु कल्याण दिवस, जलवायु परिवर्तन से निपटने का मुद्दा अहम। पराली फिर पड़ेगी दिल्ली पर भारी। प्लास्टिक कचरा पैदा करने में भारत दुनिया में सबसे आगे। नीति आयोग टू कम आउट विथ रोड मैप फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी टू पावर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब पूरा जोर उसी पर है। बिहार नदी संवाद, इसकी हमने अभी चर्चा की। हाँ, अब मैं ये कह करके गुलजार की ये बात करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए, साफ तो वो खुद अपने आप को कर लेगी। जंगल मत उगाइए, बस पेड़ काटना बंद कर दीजिए, जंगल खुद उग जाएगा। शांति स्थापित मत कीजिए, अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति खुद ही आ जाए। व्यवस्था मत बनाइए, व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था खुद हो जाएगी। इसके साथ सभी लोगों को धन्यवाद, आप मुझे ऐसा मौका मिला और आपने शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी, धन्यवाद। इसको बंद कर दो, बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ।
नागेश झा सर, आप रिक्वेस्ट करें उमा शंकर सर से, डॉक्टर साहब से, कि और कम्प्लीमेंट करें सर का, बहुत ही अच्छा भाषण रहा इस समय, और जो आज के ज्वलंत प्रश्न है वो आपने उठाए और उनका सलूशन भी बताया, बस एक्शन लेने की बात है। नागेश झा साहब, चंद्रेश्वर खान सर, सर आप थोड़ा कहें सर से, उमा शंकर सर। मैं आग्रह करूंगा, साक्षात डॉक्टर उमा शंकर साहब हैं जो है, और बड़ी निष्ठा और तत्परता के साथ में जो उन्होंने सुना है, तो मैं प्रोग्रामिंग व्यक्तित्व है, तो उनका एक बड़े एक्सपर्ट का बाद दूसरे बड़े एक्सपर्ट को हम लोग पहले सुन लें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं जोशी जी को और खान साहब को सादर प्रणाम करता हूं। मैं जोशी जी, आपके कहने से भी मैं उतना ही प्रभावित हूं जितना कि कोई और कहता। आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश होता है। ग्रेटनेस है, आपका आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है। और डॉक्टर झा साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं मिल रहे हैं। एक एक झा साहब आप म्यूट कर लीजिए, झा साहब म्यूट कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा था, इन्होंने जितने टॉपिक्स बताए हैं उन सबों पे, सभी टॉपिक्स पे एक एक दिन वेबिनार किया जा सकता है, मतलब एक एक संडे को, मतलब वो सारे टॉपिक्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं। और चूंकि ये मेरा क्षेत्र है, तो मुझे तो मैं तन्मयता से सुन रहा था इनको, जो इन्होंने कहा। कहीं पे पूर्ण सहमति है, कहीं पे डॉक्टर झा बहुत आशावान हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैं क्या कहूँ, अभी मैं थोड़ा सा रिसर्च से कनेक्टेड भी रहता हूँ। अभी मैंने एक पेपर लिखा है खान साहब, यू उत्तर प्रदेश में बहराइच में क्या हुआ है कि भेड़ियों ने बच्चों को उठाना शुरू कर दिया है, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, और वो बच्चों को उठा के ले गए, और करीब 32 बच्चे अभी तक मारे जा चुके हैं। और उसमें मैंने एक पेपर लिखा, चूँकि पूरा रिसर्च किया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए। तो सुनकर आश्चर्य होगा, और मैं आदरणीय जोशी साहब से कहूँगा, कभी एक मौका दीजिए मुझे भी, तो मैं बताऊँगा एक लेक्चर पे कि कैसे भेड़ियों ने वो बच्चों को मारना शुरू किया, एक बहुत जो इकोसिस्टम है वो कैसे डिसरप्ट होता है, और फिर कैसे, जबकि भेड़िया कभी बच्चे को मार नहीं सकता, किसी भी मानव को नहीं मार सकता। दूसरा एक पेपर मैंने लिखा, जो कि एक्सेप्ट भी हो गया है, वो छपने वाला है, वायनाड के ऊपर। वायनाड में भी 420 लोग मर गए लैंडस्लाइड्स पे, क्या कारण हुआ, कैसे मरे, क्यों मरना चाहिए था क्या उनको, और ये वेस्टर्न घाट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि एक मौका मुझे दीजिएगा, तो उस पर मैं भी विस्तार से कुछ मैं कहना चाहता हूं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पर मैंने अभी काम किया है, वो ये है कि इंडिया और चाइना मिलकर हम लोगों को उस स्थिति पे ला दिया है कि हम कभी भी पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, बिहार पूरा साफ हो सकता है। मैंने जब देखना शुरू किया तो चाइना ने 40 डैम बनाए हैं यांगटे रिवर पे। फिर मैंने उसकी जियोलॉजी पढ़ी, फिर मैंने उसका ज्योग्राफी पढ़ा, और इंडिया भी शुरू हो गया है बड़े
डैम्स बनाने में। वाटर एक स्कार्स कमोडिटी है, 4% वाटर है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, जो 18% लोगों को पानी पिला रहा है, और 93% फ्रेश वाटर हम इरिगेशन में दे रहे हैं। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था जोशी जी, तो मुझे एक आर्टिकल मिला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चाइना हैज मेड अ क्लाइमेट बॉम्ब, जो कि सिर्फ दो कंट्री के पास है, चाइना और अमेरिका के पास, बिना एक गोली मारे आपके पॉपुलेशन को साफ कर सकता है। फिर अभी डॉक्टर झा बता रहे थे जूनोटिक डिजीज के बारे में, तो मैं इस पे रिसर्च कर रहा था निपाह के ऊपर, अभी बहुत सारी बातें हो गई उसके ऊपर, निपाह के ऊपर। तो मैंने क्या देखा कि 1993 से और 2017 तक केरला के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 253,000 2,53,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट काट दिए गए, और वो रूट कॉज है आपके निपाह वायरस का, जो कि 523 मिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी को सेटबैक देता है अ कंट्री लाइक मलेशिया। तो हम लोग सभी लोग बड़े उस मुहाने पे खड़े हैं सर, बहुत लोग मुहाने पे खड़े हैं हम लोग। शायद मैं क्या कहूं, मुझे कोई इसका उत्तर ही दिखाई नहीं पड़ता सर, कोई उत्तर ही दिखाई नहीं पड़ता कैसे हम करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट गया झा साहब, खान साहब, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के ऊपर एक पीआईएल किया। चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस है, उनके 3 लोगों का बेंच था। भारत सरकार ने उस एक्ट को अमेंड कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा इंडिया का 28% फॉरेस्ट साफ हो जाता। तो उन्होंने रोक तो नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने पार्शियल रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि आप फॉरेस्ट के डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, जो एक अमेंडमेंट कर दिया था जिसकी वजह से पूरा का पूरा फॉरेस्ट का डेफिनेशन ही बदल दिया था। तो फॉरेस्ट एरिया कट के वो अडानीज अंबानीज बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आ जाते हैं उसमें। और उन्होंने एक आदेश और दिया कि भारत सरकार कोई भी फॉरेस्ट के लैंड को डाइवर्ट नहीं करेगा जब तक कि सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। और 13 सितंबर को उन्होंने डेट रखी सुनवाई की। जोशी साहब इसको ध्यान से सुनिएगा, उसके पहले ही गणेश पूजा में चीफ जस्टिस साहब के घर जाते हैं प्रधानमंत्री जी। एक मेरी शंका है, क्या बात हुई होगी पता नहीं, लेकिन अब वो सुनवाई नहीं कर रहे, डेट ही नहीं दे रहे। वो हमारा वकील मेंशन करता डेट, और भारत सरकार, मैं जब तक वेबसाइट से देख रहा हूं, सारे के सारे, मतलब ये जो फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन है बहुत तेजी से आगे जा रहा है। हमको मतलब नहीं है फॉरेस्ट से सर, लेकिन फॉरेस्ट के जाने से हम जूनोटिक डिजीज के मुहाने में बैठे हुए हैं। एक कोविड पे हमारे यहां 47 लाख लोग मरे हैं, ऐसे कितने कोविड के मुहाने पे हम बैठे हुए, हमको पता ही नहीं है सर। रिसर्च पे हम पैसा ही नहीं खर्च करते, और अब अगले महीने उनका रिटायरमेंट है, अब दूसरा चीफ जस्टिस आएगा, फिर हमारा वकील एक डेट लेगा, कोशिश करेगा डेट लेने की। क्या मुझे तो, मैं थक गया हूं सर एकदम, ऐसा भी जुडिशरी होता है क्या? बड़े सटल तरीके से ये सारा काम हो रहा है, आप कहां जाएंगे अब इससे ऊपर? आप जोशी साहब बता दीजिए, मेरे पास क्या रास्ता बचा? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई रास्ता है क्या? नहीं सर, नहीं, बड़ी सैड सैड। अब कहां हम जाएं, अब किसके पास जाएं हम? खान साहब के पास जाएं, डॉक्टर वीएन झा साहब के पास जाएं, आपके पास जाएं? हम तो जाके सर पैसे खर्च करके जाके उनके पास हाथ जोड़ के कहा कि फॉरेस्ट को बर्बाद मत करो सर। को वायनाड में 430 लोग मरे हैं, जानते हैं क्या हुआ है सर? कोझिकोड़ी से वायनाड तक उन्होंने एक सड़क बनाई 4 लेन की वेस्टर्न घाट में,
20 डिग्री का स्लोप है वेस्टर्न घाट के ऊपर और पाइपिंग अंदर ऐसा हो गया, पाइपिंग पाइपिंग की व्यवस्था बन गई है। एक दिन में 535 मिलीमीटर का बारिश हो रहा है वहां पे। अब आप कौन से पंडित जी हमको बताएंगे कि वहां पे 4 लेन सड़क की क्या जरूरत थी, जो आज वहां पे 430 लोग मर गए हैं, वो क्या इस डेवलपमेंट को देखने आ रहे हैं क्या? चार धाम में, चार धाम जो सड़क परियोजना थी जिसमें कि 4 लेन की सड़क बनी, रवि चोपड़ा कमेटी ने कहा कि इसकी चौड़ाई सिर्फ 5 मीटर रखी है, भारत सरकार ने माना नहीं, 10.5 मीटर रखा, और यह कहते हो कि सिक्योरिटी का मामला है। नतीजा यह हुआ कि जोशी मठ धस गया। मैं जोशी जी, मैं क्या बताऊं सर, मैं अपनी पीड़ा कुछ कह ही नहीं सकता, कुछ नहीं कह सकता। नहीं नहीं सर, रियली इश्यूज आर लाइक दिस ओनली। अब नागेश हाजी एकदम सहमत नहीं होंगे मुझसे, एकदम सहमत नहीं होंगे, वो कहेंगे नहीं सिक्योरिटी जरूरत है, चाइना हमारे ऊपर आके बैठा। मेरी बिनती, आप पीड़ा कह डालिए, नहीं वेंटिलेट होना जरूरी, और हम लोग भी कुछ मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपको मारना है तो ये चार जो 40 डैम्स चाइना बना रहा है यांगटे रिवर्स पे, जो किसी भी समय अगर वो खोल देगा उस डैम को तो पूरा का पूरा बिहार साफ हो जाएगा, फ्लडेड, वो मर जाएगा, बिहारी मर जाएंगे, हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं ना सर। अच्छा, अब काउंटर करने के लिए हमने भी उस पर बड़े डैम बनाने शुरू कर दिए हैं। ये पर्यावरण का इशू ऐसा है सर, जो समझ में नहीं आता लोगों को, समझ में नहीं आता है। दिबांग में एक वो बना रहे हैं डैम 2 नदियों पे, ड्राई टैंगोन पे, उस नदी में पानी नहीं है। झा साहब ठीक कह रहे थे, केन और बेतवा को जोड़ रहे हैं, बेतवा में पानी है, केन में पानी नहीं है, और 7 लाख ट्रीज को काट रहे हैं, 7 लाख ट्रीज कटेंगे पेच, जिसको कि पन्ना टाइगर रिजर्व में। अभी एक जोशी जी, एक नेचर मतलब खान साहब, झा साहब समझते होंगे, वर्ल्ड का सबसे अच्छा जर्नल है। कहां का है? केन बेतवा की बात मैं कह रहा हूँ, नेचर जर्नल आप बता रहे हैं ना सर, ये इंटरनेशनल जर्नल है। अच्छा अच्छा, और वर्ल्ड का बेस्ट जर्नल है। उसने क्या छापा, एक रिसर्च का पेपर छापा जिसमें कहा यह गया है कि वल्चर्स करीब करीब 98-99% इंडिया में कम हो गए, और इसके कम होने से 4% डेथ रेट बढ़ गया इंडिया में। रफली 85-90 लाख लोग हर साल मरते हैं इंडिया में हर साल। अब उसका 4% और आप जोड़ लीजिए। नेचर अमेरिका से पब्लिश होता है इंटरनेशनल। हाँ सर, वो जहां से हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ही पन्ना टाइगर रिजर्व में 7 लाख पेड़ काटेंगे, वैसे ही वहां का जो वल्चर का ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा। एक तो वल्चर बचे कम। मैं ये कहता हूं सर कि काहे को ये कौन सा डेवलपमेंट आप कर रहे हो, काहे का डेवलपमेंट हो रहा है सर। और अभी हाथियों की संख्या, एक भारत सरकार 2 रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है, एक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी जारी करती है जो कि अब जारी नहीं कर रही है, 3 साल हो गए, हर 2 साल के ऊपर होना है, चौथे साल जारी करेगी। एलिफेंट के ऊपर एक लीक कर गया रिपोर्ट लीक किया। रिपोर्ट क्या कहता है कि लीनियर प्रोजेक्ट्स के कारण, लीनियर प्रोजेक्ट्स उसको कहते हैं जोशी साहब, जो सड़कें बनाई जाती हैं, जिसमें कि नहरें बनाई जाती हैं,
फॉरेस्ट के जमीन को डाइवर्ट करने के कारण 20% हाथियों का पॉपुलेशन कम हो गया इंडिया में, और कॉरिडोर नहीं देने की वजह से इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो गई। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब आप समझिए, बड़ा गंभीर मसला है, उनके इनब्रीडिंग शुरू हो गई है, जैसे कि मदर सन, डॉटर ब्रदर, डॉटर फादर, ऐसे मैरिज उसमें ब्रीडिंग हो रही है। अब किसी दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा ये जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगा, रिजिलियंस कम हो जाएगा, वो पूरा पॉपुलेशन साफ हो जाएगा। तो सर मैं क्या करूं, अब मैं नागेश झा सर से बिल्कुल हाथ जोड़ लेता हूं, व्हाट्सएप पे कभी कभी बात हो जाती थी, अब नहीं कोई समझ पाता है मेरी पीड़ा, और मैं ये पीड़ा कहां कहूं। अब मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी, जब नहीं माने तो पीआईएल भी कर दिया, अब पीआईएल के बाद भी वो गणेश पूजा में चले गए। बहुत सारा तो हम सर वन टू वन बात करेंगे झा साहब, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, झा साहब मुझे कह रहे हैं इस चीज को, इस स्पिरिट को जिंदा रखिए, बस मैं यही कह रहा हूँ। अब उमेश जी अब दिक्कत ये है, अब दिक्कत ये है कि अब एक चीफ जस्टिस की कोर्ट हम मेरी सुनवाई नहीं करेगा तो कौन करेगा, हम कहां चले गए। हम अपना पैसा लगाकर पीआईएल हमने किया है, अपना पैसा लगाया सर, हमने किसी से पैसे नहीं मांगे, सिर्फ एक इच्छा थी हमारी कि फॉरेस्ट हमारा बच जाए, फॉरेस्ट बचेगा तो वाइल्ड लाइफ बचेगा, वाइल्ड लाइफ बचेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जब जज साहब लोग बिक जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे। तो सर बस आप मुझे, मैं अनुरोध यही करूंगा कि अब थोड़ा मुझे समय दे दें अगले संडे को, आजकल अमिताभ जी मुझे याद ही नहीं करते, तो मैं थोड़ा सा वो डैम्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हर दिन उमा शंकर जी को हर दिन याद करते हैं, आपको फोन भी करते हैं। अरे मेरे पिता तुल्य मेरे बड़े भाई थे, मैं आपको बताऊं, अगर आज वो नहीं होते तो मैं ना पढ़ पाता, ना मैं IFS बन पाता, ना मैं अच्छी जिंदगी गुजार पाता। हमसे 15 साल बड़े थे, अगर मुझे, मैं इफ आई एम रीबॉर्न, अगर भगवान है और मैं दोबारा जन्म लेता हूं, तो मेरी 3 इच्छा है। पहली इच्छा ये है मेरे माँ बाप वही रहे जिनकी मैं सेवा नहीं कर पाया, दोबारा करूं, मेरे बड़े भाई वही रहे, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना शादी करनी होगी ना भगवान, अगर ये भी मैं कह रहा हूँ आपकी ये इच्छा पूरी होगी, ये पॉजिटिव इच्छा है आपकी, पूरी हो जाएगी, और ये ऊपर वाले ने, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। थैंक यू। मैं अपने बड़े भाई की खाली सेवा करूँ, अपने पिता की सेवा करूँ, माँ की सेवा करूँ, जो मैं नहीं कर पाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर अब उनकी डेथ हो गई, अब मैं एकदम टूट गया, एकदम शैटर्ड था। डेथ सबों की होती है, मेरे भैया भी 85 इयर्स के हो गए थे, इसलिए मैं बोलने की स्थिति में नहीं था, मैं क्या बोलता। नहीं सर, आपके चेहरे से भी लग रहा है बिल्कुल, लेकिन हैव पेशेंस सर, आप जैसे लोगों की जरूरत है, इतने नॉलेजेबल पर्सन, और आपके अंदर जो बात है वो ये कि जो दिल में है वो बाहर है, ऐसे बहुत कम होते हैं, और आप इतने ऊंचे पद से रिटायर हुए, इतनी अच्छी परीक्षा आप निकाल के, और आपका जो ब्यूरोक्रेसी में स्थान है वो बहुत कम का है सर, तो हैव पेशेंस सर, हम भगवान की इच्छा के आगे तो नहीं जा सकते सर। नहीं कहीं जा सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं हाजिर रहूंगा जब भी आप मुझे याद करेंगे सर, मैं हमेशा हम लोग आपको याद करेंगे सर। और एक हम बता दें कि मैं जब बंबई में पढ़ता था और जिस दिन जाना था मेरा सामान लेने मांग गई और एक्सीडेंट हो गया 42 बरस में, और मेरे काम से, और हाथ में उनके एक एप्पल था, तो एक एप्पल का टुकड़ा खुद खाई, और एक बोली कि मैं अपने, मेरी बहन पढ़ती थी रांची में, एक बहन के लिए और एक 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 मेरे लिए एप्पल वो हाथ में था, और हम गए, पेट फट गया था किसी तरह से, और किस तरह से हमने उस भयंकर, मतलब अपने जीवन के भयंकर दिन को झेला, और पता नहीं मैं कैसे जिंदा रह गया। उसी सदमे से मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी छोटी बहन गुजर गई, अब बताइए मैं कैसे जिंदा हूं और इतना ये कर रहा हूं। तो दुख तो आता ही है,
उमा शंकर जी अब उस दुख को टाला नहीं, नहीं वो तो है सर, वो तो है, वो तो ईश्वर है, ईश्वर तो कुछ मैं कैसे जिंदा हूँ पता नहीं। अब फिर मेरे को दो अटैक हो गया, पेसमेकर भी लग गया, लेकिन ठीक है, अपने को व्यस्त रखता हूँ, बोलता चालता रहता हूँ और भगवान उपलब्धि जो देना है दे रहे हैं, बच्चे भी हमारे अच्छे सेटल हो गए, सब कुछ ठीक है। तो मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे माँ बाबू जी वही रहें, मेरी बहन भाई वही रहें और बच्चे भी जो हैं हमारे वही रहें, यदि फिर जन्म हुआ तो। लेकिन मेरा प्रयास है कि बार बार जन्म ये शरीर हड्डी मांस के लोथड़े में क्या लेना, ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले के पास रहना सभी को, और अपने माँ बाबू जी के भी मुक्ति के लिए, अपने मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करता रहता हूँ। थैंक यू सर। आपने जब आपने कहा तो हमको अपना दुख भी याद आ गया। डॉक्टर उमा शंकर सिंह साहब का एक लेक्चर आप आगामी जल्दी से जल्दी रखवाइए, बहुत अच्छा और इतना नॉलेजेबल है, रिसर्च करने के बाद आप बताते हैं, वो सबके लिए उपयोगी है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, हम जैसे जनरल लोग जो और नॉलेज के लिए कुछ सुनते हैं, तो बहुत अच्छा विद्यानाथ जी का बहुत अच्छा लेक्चर रहा। विनय जी इसको बनाते हैं, तो इसको सर्कुलेट करिए अधिक से अधिक जगह पे। आप नैनीताल में आए, यहाँ एक से एक साइंटिस्ट आपके सामने है, अच्छे प्रतिभागी। नैनीताल में आप कहाँ पे हैं अमिताभ जी? हम नैनीताल में एकेडमी में हैं, नैनीताल में ये ATI एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग जाके ट्रेनिंग दिया करते हैं। अभी जैसे वहां पे दिया, क्या नाम है, पूना में दिया, फिर अभी दरभंगा में दिया, फिर अभी यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग घूमते रहते हैं। बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था तो नहीं निकलते थे, जैसे जोशी जी का भी अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भगवान उनको भी ठीक करें, दोनों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, तो अब हम निकलने लगे, विदेश भी गए, बेटा के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो अब हम कुछ कुछ कोर्स कराने का हिम्मत करने लगे हैं, अच्छा सक्सेस मिल रहा है। ये मल्लीताल में है ना? मल्लीताल में है ये? नैनीताल में है। हाँ, मल्लीताल में, नैनीताल में मैं रहा हूँ अमिताभ जी, मैं वहाँ पे 3.5 साल 3.5 साल मेरी पोस्टिंग थी नैनीताल। अच्छा। के नैनीताल में लोगों ने, मैंने वहां पे सारे होटल्स, बहुत सारे होटल्स तोड़े मैंने। उन लोगों ने क्या किया था कि वो पेड़ काटकर होटल, एक मनु महारानी होटल है वहां पे, अगर आप नाम सुने, आप किसी से पता करिएगा, वो चीफ सेक्रेटरी का होटल है। तो उन लोगों ने 3 या 4 पेड़ काट दिए थे देवदार के। मैंने उनके लड़के को पकड़ के अरेस्ट कर दिया था, वो सुरेंद्र प्रताप सिंह वहाँ चीफ सेक्रेटरी थे। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे हटाना चाहते हैं, हमने कहा कि हटा दीजिए, लेकिन जो गलत काम है वो तो गलत काम रहेगा ही। तो वो नैनीताल में, वहां पे जब मैं था वहां पे 43 पानी के सोते थे, 43, और अब सिर्फ 3 सोते बचे हुए, सारे पेड़ कट गए, वहां पेड़ सारे के सारे पेड़ झुक गए हैं, और वो मतलब 90 डिग्री पे पेड़ को होना चाहिए, अब वो झुक गया है क्योंकि मिट्टी खिसक रहा है वहां पे। थैंक यू सर। तो आप मुझे जब भी रखिएगा तो कम से कम 10-12 दिन का समय दे दीजिएगा। तो मैं इस सप्ताह को छोड़ के, इस सप्ताह तो मैं फ्लाइट में रहूंगा, अगले सप्ताह का आपको बोल देता हूँ 15 दिन पहले ही, अगले सप्ताह रविवार या शनिवार आपका पक्का है। रविवार ये अच्छा रहा। हाँ, रविवार का रखिए, रविवार का हमने रख दिया। और अब और खान साहब से अनुमति ले लीजिए, क्योंकि अभी अध्यक्ष भाई हैं, अनुमति ले लेते हैं। ये एकेडमी भी 5-स्टार होटल से कम नहीं है, देखिए ये। हाँ, ये देखिए। हाँ, हम तो वहीं पे रहते थे ना, बगल में ही रहते थे उसके। हाँ, मैंने देखा हुआ उसका, मेरा बगल। हाँ, तो यहाँ पर रुके हुए हैं हम लोग, शनिवार तक का प्रोग्राम है। और तो डॉक्टर झा, डॉक्टर वीएन झा सर, बिल्कुल बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सारगर्भित भाषण था आपका। मैं दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ, दिल के गहराइयों से, भगवान करे आप कुछ हम लोग सुने क्या, आखिर प्रसाद साहब कुछ बोले, वो हैं क्या सर? हैं। हाँ सर, है। सर से रिक्वेस्ट करें अमिताभ जी। हाँ प्रसाद, दोनों आप बोली, कल भी नहीं सुन पाए, आज भी पता नहीं अभी सुन पाएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं हमें तो, हाँ सर को बोलिए, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब मैं बोल रहा हूँ, हाँ।
बोलिए सर। नवरात्रि का जो हम हमारा ड्यूटी था उसको मैं छोड़ करके यहाँ आप आज का जो वक्तव्य है दोनों विद्वान व्यक्तियों का, विद्यानाथ जी और उमाशंकर जी का, और उस दो तीन बार हमको रिमाइंडर आया वहाँ नवरात्रि के लिए हमारा हमको ये पूजा करना ही है, लेकिन मैं एक मिनट भाग रहा हूँ कि थोड़ा और रुक जाऊँ, थोड़ा और रुक जाऊँ, थोड़ा कहीं पता नहीं इसमें कुछ बहुत गहरी बात मिस कर जाऊंगा। तो उमा शंकर साहब, मैंने भी बड़ी लंबी नौकरी की है, आपने भी बड़ी लंबी नौकरी की है, लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आप जैसे डेडिकेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने देश की सेवा को ही अपना अपनाया, सरकारी सेवा को सरकारी नहीं समझा, देश का देश की सेवा समझी, और आज भी उसी वो उसी जज्बा है आपका, जो आपको आप सुन करके तो मुझे आश्चर्य होता है कैसे आप को इतना अनुशासन कर सके, और आप में जो जज्बा है वो कायम है, भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, चाहे वो परिवार संबंधित इच्छा हो या देश संबंधित इच्छा हो, सभी आपकी इच्छाएं सारी ईश्वर, ये मेरी प्रार्थना भी है आपके लिए, सबसे ज्यादा उम्र वाले हम ही हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से मैं दुर्गा माँ की पूजा करते हुए ये इच्छा प्रकट करता हूँ कि दुर्गा माँ आपको आपकी जो मनोकामना है और जिसमें आप इतने क्या कहूँ, ऐसी देशभक्ति मैंने सरकारी अफसरों में नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी है, और पता नहीं अगर मौका लगा तो आपके बारे में लिख करके भी कुछ हमको संतोष होगा कि प्रकाशित करो कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आपका जब भी आप जंगलों के विषय में या और जो इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में जब आप बात करते हैं, थोड़ी ही पता चलता है कि आप कोई सरकारी अफसर है जो रिटायर होकर के ऐसा लगता है कि आप एकदम शुरू से ही रिसर्चर हैं और देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण आपने पेश जो किया है, भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, बस बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत अच्छा लगा इतने बुजुर्ग और पूजा करने वाले संत से हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, और जोशी जी आपने कहा कि बीमार पड़ जाइएगा, सितंबर में हम गए थे बीमार पड़ गए, तो और नागेश झा जी ने प्रार्थना की, तो देखिए दो दो गर्म कपड़ा मेरे लिए आ गया और हमने तुरंत उसको खरीद लिया और उसी ड्रेस को पहन करके हम आज इस वेबिनार में शामिल हुए हैं, ये ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और क्या है, इसलिए और क्या, एक सेकंड नहीं लगा मेरे पास लाए कि सर आपका कपड़ा ला दिए, हमने दो सेट खरीद लिया एक सेट की जगह, तो ये सब ईश्वर का कृपा है जो एक एक मिनट में दिखाई देता है, इसलिए हम कभी गलत काम करते नहीं, गलत आदमियों के साथ रहते नहीं, और हमारा भगवान इच्छा पूरा करते हैं, एक मिनट नहीं लगा, सतपुरुष ने अपना आशीर्वाद दिया और हमको मिल गया, और उमा शंकर जी को जो आशीर्वाद मिला वो तो आप उमा शंकर जी दो तीन दिन बाद ही बताएंगे, और वास्तव में हमारे यहाँ संतों का समागम हुआ है और ये हम लोग सत्संग करते हैं,
बिना किसी लालच के और अपने ज्ञान को प्रकाश को चारों तरफ फैलाते हैं। और सभी आज तो बहुत लोग आ गए थे और बड़े बड़े डॉक्टर सदानंद जी भी आए हैं, चौधरी जी, मुन्ना रानी जी भी आई थी और कितने तरह के लोग आए। ये भाभिका, भाभिका आपको सर्टिफिकेट मिल गया होगा आपके उसका, सिकंदर जी भी आ गए और तो हम अब चाहेंगे चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी, ये भी एक पवित्र आदमी है, और प्रसाद साहब के बाद उम्र में ये सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। हम लोग कितने लकी हैं, उसके बाद जोशी जी हैं, कितने लकी हैं। नागेश झा जी का प्रार्थना कि हम लोगों को ऐसा ऐसा आशीर्वाद भी मिलता जाए। अमिताभ जी, चौधरी साहब जैसे प्रोफेसर हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें उनसे भी ले लें, और सिकंदर जी से, फिर लास्ट में चंद्रेश्वर खान साहब से चौधरी वाणी सुनेंगे। आपका क्या रिएक्शन रहा ये बताइए, आज का प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा रहा। मणिशंकर झा जी भी आ जाए हैं, चौधरी जी आप अपना बताएं क्या आपका क्या रहा। सिकंदर जी, चौधरी जी साथ चले गए, सिकंदर जी आप कुछ बोलना चाहें आज के इसमें तो बोलें। सिकंदर जी डिजाइनर के बहुत बड़े हस्ती हैं सिकंदर जी, और बहुत अच्छा कल प्रेजेंटेशन दिया, बहुत लोगों ने तारीफ की आपकी। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बस मुझे एक बात का कल अफसोस है कि कल मेरे प्रेजेंटेशन में डॉक्टर उमा शंकर साहब शायद नहीं थे, और मैंने उनकी बातें सुनी और उन्होंने ऐसे पॉइंट टच किए हैं जैसे बहराइच के बारे में बताया, उनका एक रिसर्च है भेड़ियों के बारे में, और वहां तक तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। और जिस तरह से डिफॉरेस्टिंग हो रही है, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, वो बहुत ज्यादा वाकई चिंतनीय है, और आने वाले टाइम में आदमी अपने हैबिटेट को बनाने के लिए शायद सारी चीजें बर्बाद कर देगा। और मैंने उनका एक वक्तव्य और सुना नैनीताल के बारे में, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां पे कोई था या कुछ थे वहां पे, तो उनके लड़के का या किसका होटल था, तो उन्होंने उसको भी उसको शायद अरेस्ट कर लिया। तो ये एक बहुत साहसिक और बहुत ब्रेवरी कदम है, और हर ऑफिसर में ये नहीं होता है। मैं तो पिछले 17-18 सालों से IAS और ये मिशन डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में काम करता हूँ, जानता हूँ कि उन पर कितना दबाव होता है, किस तरह से वो जो पॉलिटिशियन है, किस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ उनका वो कैसे कैसे परेशानियां वो फेस करते हैं। और उसके अलावा जो सर का जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा था, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में और जो खस की जो एक घास है उसके बारे में जो बताया, तो वो मेरे लिए एकदम नई जानकारी थी। हम लोग, मुझे याद है कि हम यहाँ, अब चूंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, अब लखनऊ में सेटल हो गया हूँ, तो हमारा घर बहुत बड़ा इलाहाबाद में है, तो वहाँ पे गर्मियों में पहले कूलर या पंखे नहीं होते थे, तो बड़ी बड़ी चटाइयाँ लगाई जाती थी और उसके अंदर खास की टट्टी लगाई जाती थी, जो हवा जब उसको क्रॉस करती थी तो पूरे घर में एक खूंदी महक आ जाती थी, तो वो याद ताजा हो गई। आई आई, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, मेरी तरफ से मुबारकबाद। और अमिताभ सर का और जोशी सर का कोऑर्डिनेशन, दैट इज ग्रेट, वो सबको बांध के रखते हैं और बहुत अच्छा है, अमेजिंग। बस मेरी तरफ से अपना, अपना सिकंदर साहब जरा अपना टेलीफोन नंबर लिखाइए तो। और सर मेरा टेलीफोन नंबर है 7985073250 जी सर, ठीक है, मैं करूंगा, बात करूंगा। ये व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप है ना सर, व्हाट्सएप भी है, कॉलिंग भी है सर, यू आर वेलकम, कोई ठीक है, ठीक है, जब भी चाहें आप हम बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मणिशंकर झा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, आज तो बहुत बड़े बड़े विद्वान आए थे। मणिशंकर झा जी, भाभिका, भाभिका आप कुछ बोलेंगी, कमेंट लें भाभिका, नागेश झा जी, मणिशंकर झा जी, अच्छा भाभिका आप बोलें कुछ। आपका भी नाम है यंग स्कॉलर्स में, आपका भी नाम है, आपने मुखर्जी वगैरह सभी को सर्टिफिकेट दे दिया ना। हाँ सर, सबको मिल गया सर्टिफिकेट, हमको उसने फोन किया था कि मैंने सभी को सर्टिफिकेट दे दिया,
तो मैंने सबको धन्यवाद बोला, बट यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, क्योंकि मैंने एक नए आदमी को तैयार किया आप लोगों को सर्टिफिकेट देने के लिए। तो सबको शायद सर आपको मैसेज किया था मैंने उस दिन, मतलब सर्टिफिकेट मिल गया था तो सबको सर्टिफिकेट मिल जाता है ये सर। मैंने शायद आपको अब आज के प्रोग्राम के बारे में आपको जो बोलना है बोलिए, और एक रविवार या शनिवार फिर आप दीजिए। अगला शनिवार रविवार तो बुक हो गया, नहीं अगला शनिवार रविवार तो हम ट्रेवल में रहेंगे, और उसके बाद के शनिवार में ये डॉक्टर चौधरी जी, और रविवार में डॉक्टर ये उमा शंकर जी का है, उसके बाद वाले में हम आपको रखना चाहेंगे। आप तीनों का टीम, चारों का टीम बहुत अच्छा है। तो हम धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हमने नए नए अभी रिसर्च पेपर और लिखे हैं, हम उस पर भी हम बात करेंगे, जैसे एआई से रिलेटेड जो एथिकल चैलेंजेस होते हैं, जैसे डिजिटल क्राइम्स जो बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स, उसके ऊपर बात। भाभी का आपको बधाई और शुभकामना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक। यस सर, हमने सब पेपर लिखा था, हम इसके बारे में बात करेंगे, हमने पूरी टीम ने, चारों ने ये पेपर लिखा है मिलके। नागेश हाजी, नागेश हा साहब का भी रिएक्शन ले। हाँ, तो भाभिका आपका आज का क्या रिएक्शन था? बहुत ही बैलेंस ये स्पीच था, और सबसे इम्पोर्टेंट झा साहब का लास्ट में जो चार लाइन बोले वो बहुत ही इम्पैक्टिक है। ये जागरूकता जरूरी है, और बस वही है, लोगों में जागरूकता आए और हम लोग वातावरण के प्रति, वैसे स्कूलों में ये करिकुलम में आ गया है तो वो सारा चीजें हैं। और सच्चाई ये है, उमा शंकर जी जैसे लोग, मैं भी कहीं कहीं उन्हीं के जैसा हूं, तो ऐसे लोग बहुत कम हैं अपने देश में। तो एनीवे, गॉड इज ग्रेट, द थिंग्स आर इम्प्रूविंग। मैं पुनः भगवान पर बहुत आस्था रखता हूं, सारी चीजें बदलेगी और उमा शंकर जी की हर इच्छा पूरी होने जा रही है, ये मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। जो जो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, देर सवेर वो सारी पूरी हो जाएगी। थैंक यू सर। राधिका और प्रसाद साहब का दोनों का आशीर्वाद मिल गया, विद्यानाथ जी झा जी का भी को भी आशीर्वाद मिलना चाहिए, उन्होंने DTS भी कर लिया, अब उनको DOT करा के ट्रेनर बनवा देना है। वो बहुत अच्छे विद्वान है, ऐसे ही विद्वानों के लिए ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो विद्यानाथ झा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और अब हम चंद्रेश्वर खान साहब से सुनेंगे उनका आशीर्वाद और क्लोजिंग वचन, वो भी आशीर्वाद देंगे, चंद्रेश्वर खान साहब भी आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप जो है संतों का ग्रुप है। अब दुनियादारी तो करते ही है हम लोग, लेकिन संतों का ग्रुप है, आशीर्वाद लेना है हम लोगों को। और अब जीवन में जितनी चाहिए थी, चाहत थी, सब भगवान ने दिया, कभी कभी उससे ज्यादा भी दिया। तो अब भगवान से यही इच्छा है कि जीवन के अंतिम समय में लोगों का आशीर्वाद मिले। हाँ सर, मैं वो शुक्रिया कहना चाहती हूँ विद्यनाथ जी और सिकंदर सर जी को, कि उन्होंने इतना अच्छा नॉलेज हमें दिया इसके रिलेटेड, एनवायरनमेंट और पर्यावरण के बारे में इतना कुछ बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर प्रेजेंटेशन अगर उनके पास है तो मैं मतलब विनती करूंगी कि वो मतलब ग्रुप में भेजे वो प्रेजेंटेशन, तो हम भी उसके बारे में थोड़ा और समझ पाएंगे और इसके बारे में और सर्च करेंगे। सिकंदर जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है भाभिका मैम कि आप उनको अपना प्रेजेंटेशन जो आपने स्लाइड दिखाया था वो भेज देती हैं, और वैसे उनका रिकॉर्डिंग जो था वो हमने भेज दिया है, रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन है उनका पूरा। अच्छा, हाँ, ये सर, हाँ, सर, ठीक है, मिल जाएगा। और विद्यानाथ झा जी का भी आज मिल जाएगा शाम तक। चंद्रेश्वर बहुत सुंदर, भावनाएं हमारी मिल रही हैं। प्रसाद साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, आज संध्या में मैं भी आया और आज हमने देख लिया था, मोबाइल को भी दिखवा दिया था क्योंकि मैं कार्यक्रम में व्यस्त था, और पूजा किया हमने संध्या में जितना करना था, चतुर्थ अध्याय विद्वान आदमी के सामने में बोल रहा हूँ, वो करके हम, आपने जैसा देखा होगा 6:55 पर
हाजिर हो गए और विद्यानाथ जी ने बहुत कुछ दुखती रगों पर हाथ रखा है, क्योंकि कोसी के बारे में भी उन्होंने कहा और सारी चीजों को समग्रता के साथ से जो इनका प्रस्तुतिकरण हुआ सारी चीजों को लेते हुए और बहुत सारे समाधान की तरफ इशारा, क्योंकि दिनेश जी मेरे खास मित्र हैं। दिनेश जी और दिनेश जी के बड़े भाई एनएमएल के डायरेक्टर थे, वो लोग जमशेदपुर में ही रहते हैं। मैं चाहूंगा कि विद्यानंद जी अमिताभ जी से बातचीत करें और डॉक्टर दिनेश मिश्रा भी जब तैयार हो, आईआईटी खड़गपुर के ही हैं, तो उनका भी एक बार सुने नदियों के बारे में खास करके। और अब तो उमा शंकर जी तो चले गए, जो वेदना उमा शंकर जी की है वही वेदना दिनेश जी की भी है। और अब ऐसे में बहुत सारी चीजों को करने के लिए जो देवी का हम लोग आह्वान करते हैं, ये शायद भगवती की कृपा है कि आज चौथे दिन में जिन बातों की चर्चा हुई है डॉक्टर विद्यानाथ झा जी के वक्तव्य के बाद जो बातें उभर करके आई हैं, उन चीजों को मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर विद्यानाथ जी से ही और उमा शंकर जी से कि इसको समेटा जाए और इसका मूल्यांकन, जिसको मैनेजमेंट के लैंग्वेज में ये बोला जाता है बैलेंस स्कोर कार्ड, कि जैसे बैलेंस फूड है तो मैनेजमेंट का जो अभी जो थिंकिंग है जो बना पहले से है कि जैसे हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो वैसे किसी इंडस्ट्री में कैसे बैलेंस स्कोर कार्ड बनेगा। अब जरूरत है, दुनिया में लोग बात कर रहे हैं और हम इंटरकनेक्टेड हैं, तो बहुत सारी पर्यावरण में सारी समस्याएं पूरी विश्व की जुड़ी हुई है, लेकिन वो जुड़ाव हम महसूस नहीं करते हैं। डेवलपमेंट के प्रोसेस में वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड, लेकिन जब विद्वान ये समझाएंगे कि जो विकास हम लोग कर रहे हैं अंततोगत्वा वो विकास नहीं है, और कैसे यदि कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाए तो विकास जो हम चाहते हैं, क्योंकि जीवन रहेगा तभी विकास का भी मतलब है। जीवन यदि नहीं है, वन नहीं है तो जीवन नहीं है। तो इन सारी बातों को जो लाया गया, क्योंकि एक से एक जो ग्रासेस की जो इन्होंने बातचीत की, हम लोगों ने अपने जीवन में ये देखा है कि कैसे कई लोग बोलते थे कि बांध बनाना हो या जिस तरह से बैराज बनाना हो उस पर और अवलोकन की जरूरत है। जो नागेश जी ने कहा कि तोड़ दिया गया, तो आप ये देखिएगा कि जब वो आदमी फंसा उधर का तो तोड़ा, जहां तोड़ा दूसरे तरफ का आदमी जाएगा। तो ये तोड़ जो हो रहा है, इसके पीछे का अध्ययन जिन चीजों के तरफ में डॉक्टर विद्यानाथ जी ने इशारा किया है, हम उनके बड़े आभारी हैं कि जिस किसी काम को वो करते हैं पूरी निष्ठा के साथ में और ज्ञान का प्रचार प्रसार जिस तरह से हो रहा है। और इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रसाद साहब भी यहाँ हैं, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में शायद हम लोग अपने आप को विद्वान बोलते हैं लेकिन विद्वान नहीं। बोला गया है, विद्या को परिभाषित किया गया है प्रथम अध्याय में, सा विद्या विमुक्त है, सा विद्या विमुक्त है, विद्या वो है जिससे हमें मुक्ति प्राप्त। एक प्रश्न रखता हूं, मुक्ति वाली उन चीजों को कैसे इस धराधाम पर भगवती की कृपा से लाएंगे, क्योंकि उमा शंकर जी चले गए, दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में जो वर्णन है कि जब ऋषि बोलते हैं तो ये बोला गया है कि उनके आश्रम में पशु जिसको हम लोग हिंसक जीव बोलते हैं
वो भी अहिंसक तरीके से रहा, तो उन सारे इको प्रोसेस को हम लोगों ने डैमेज कर दिया। और जो हरियाली अभी भी हमको एक जगह जो दिखाई पड़ती है वो श्रृंगेरी मठ का जो है, वहां के जंगल में कभी जाइए, उमा शंकर जी तो गए ही होंगे, वहां की जो मैं अक्षुण्णता देखता हूँ, शायद वो कहीं रोल मॉडल हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बहुत प्रेम से डॉक्टर विद्यानाथ झा को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनकी विद्वता के लिए, और भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमने जैसी दुनिया बना ली है, कुपुत्रो जाए क्वचिदपि माता कुमाता न बन। अब डिवाइन पावर सबको ये मति दे, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड नहीं रहे, और पर्यावरण की, क्लाइमेट की समस्या, जब तक हम इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेटेड नहीं रहेंगे और इंटरडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तब तक सॉल्व देश के आधार पर ये समस्या नहीं होगी। नए नए षड्यंत्र रचे जाएंगे और भगवती ही इससे रक्षा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ डॉक्टर विद्यानाथ झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जो मौजूद हैं, और अमिताभ जी ने जो इसका नाम सत्संग दिया, नागेश जी के प्रार्थना से इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं, विनय जी इसका रिकॉर्डिंग करते हैं, जोशी साहब जिस कलम जोशी के साथ लोगों को आमंत्रित करते हैं, अमिताभ जी जैसे तक्षण जिस बात को लेना है ले लेते हैं, और अखौड़ी माहेश्वरी प्रसाद जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है, भगवती जो हैं वो हम लोगों को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रार्थना से चूंकि शुरू हुआ था, और दुर्गा सप्तशती में हम लोग हैं, ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते, ये 11 भगवती के नाम है। तो इस श्लोक को यदि आप 10 बार पढ़ लीजिएगा तो भगवती का 108 नाम अपने आप हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वास्तव में ये ग्रुप और ये रविवार शनिवार का मिलना हम लोग का सत्संग है। भगवान करे जब तक हम लोग जिंदा रहें ये चलता रहे, और मरने के बाद भी चले, हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इसमें जितने अच्छे सात्विक पुरुष लोग आ गए हैं, और जैसा आशीर्वाद मिलता है एक दिन ये बहुत कामयाब होगा हम लोग को लगता है। हम लोग माँ भगवती से प्रार्थना करके भी सभी के प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे, और हम लोग दुनिया में एक मतलब सत्कर्म की दुनिया बनाने का चेष्टा करेंगे। शायद ईश्वर कृपा से ये संभव होगा, क्योंकि आज हमने जादू देखा, जोशी जी का बोलना और नागेश जी का प्रार्थना, और साथ में दो दो गर्म कपड़ा, और वही गर्म कपड़ा पहन करके, और फिर मैं मतलब सत्संग में भाग ले रहा हूँ। अब इससे बड़ा कृपा भगवान का और क्या होगा। हमको जाना नहीं पड़ा, लाखों भी 1600 रुपया में एक एक दे गया यहाँ, और इतना गर्म है, और बाहर में कोई ठंडा लगा ही नहीं हमको। हम अपने माँ को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, सबको प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, और हम चाहेंगे हमारे ग्रुप के सभी लोगों का सद्भावना प्रेम इसी तरह से बढ़ता रहे, और हम दुनिया में जब तक हैं दुनिया के लोगों के काम आ सकें। इस आशीर्वाद का आकांक्षी अमिताभ सबको प्रणाम करता है, और हम फिर जितना जल्दी हो फिर मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। प्रणाम चंडेश्वर खान साहब को चरण स्पर्श, प्रसाद साहब को चरण स्पर्श, विद्याशंकर जी को चरण स्पर्श, जोशी जी को चरण स्पर्श, नागेश झा जी को चरण स्पर्श, विनय शुक्ला जी और सभी को, भाभी का सबको को आशीर्वाद, और फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। जी सभी को प्रणाम, थैंक्स।